फरीद सर, सुबह बखैर। ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच जी, मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। आपके कंपनी के ट्रक में बहुत सारा ड्रग्स मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? बात सुने फरीद साहब, सूरत हाल बहुत ही संजीदा है, और भी बहुत सी गिरफ्तारियां करनी है हमें। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा तहकीकात के लिए। चलिए प्लीज। क्या मतलब है इसका? नाजली, जाहिर है किसी ने फंसाया है मुझे। हम इसको देख लेंगे, परेशान ना हो। तुम घर से कहीं मत जाना प्लीज। मैं भी चलूंगी। रुको नाजली, तुम यहीं रुको, मैं बयान देके वापस आ जाऊंगा। दरवाजे पर मुहाफिज है, अगर तुम चाहो तो फतोज को बुला लो। फिक्र ना करना, हम अभी वापस आ जाएंगे। ख्याल रखना। मेरा किसी गंदे काम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पूरी तरह एक साजिश है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको समझता हूँ फरीद साहब, आपकी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले ट्रक से बहुत बड़ी मंशियत बरामद हुई है, हमें आपका बयान लेना होगा। प्रेस के अजीज मेम्बरान, आप सबको खुशामदीद। आज सुबह के मामलात की गलत फहमी और कयास आरई से परहेज के लिए आप सबको यहाँ दावत दी है हमने। जी हाँ, हमारी कंपनी के CEO फरीद असलान आज अपने घर से तहकीक के लिए थाने ले जाए गए हैं। हम सब बहुत उदास और अफसरदा हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये इल्जामात एक बुरी साजिश है उनके खिलाफ। जी दोस्तों, पहले मैं ये बता दूं कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं और मेरी जौजा दैमित अंदर पोसूला होल्डिंग में 2 महीने से शामिल हैं, और हमें लगता है कि हमारी कंपनी और फरीद असलान के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। फरीद असलान हमारे खानदान का एक कीमती मेंबर है, और हमारे नजदीक ये एक साजिश है, ये खेल नीचा दिखाने के लिए रचाया गया है। मुझे यकीन है कि ये सच आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा। यकीनन मुजरिम बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, और मुझे लगता है कि वो मुजरिम हम में से कोई एक है। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमें सुनने के लिए शुक्रिया। ठीक है मिसेज इकबाल, तशरी बयान दे प्रेस में आप, तहरीर भी तैयार करें प्लीज। ठीक है। एंगिन, तुम्हें तो इस वक्त घर में होना चाहिए। क्या करूं, मैं रुक नहीं पाई। फरीद कहाँ है? ऊपर है, वो उसका बयान लेंगे अभी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो फरीद पर ऐसे शक कैसे कर सकते हैं। पता नहीं नाजली, पता नहीं, परेशान मत हो, जो कुछ भी जरूरी है वो कर लेंगे। देर तो नहीं लगेगी। ऑर्गेनाइज क्राइम और मंशियात के शोबे ने मिलकर ये काम किया है, बोझ बहुत ज्यादा है काम का, आपका बस एक हिस्सा है इसमें। सर जैसे कि मेरे मुलजिम ने बताया, उनका ऐसे कामों से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए सर, ये एक इज्जतदार कारोबारी शख्स है, और मैं इनकी रिहाई तलब करता हूँ। ऐसा कुछ अभी मुमकिन नहीं, और भी गिरफ्तारियाँ हैं, दीगर कंपनियों के मालिकों से भी सवाल किए जाएंगे। जब तक तहकीकात खत्म नहीं हो जाती, हम आपको यहाँ रखेंगे। कितनी देर रुकना होगा यहाँ? इस वक्त जवाब देना मुमकिन नहीं है, बयानात के मुताबिक 2-3 घंटे लग सकते हैं, या फिर 2-3 दिन भी, आप ताबून करें हमारे साथ। देखें, जिनके साथ हम काम करते हैं उनको सब जानते हैं, ऐसे नीच काम से हमारा कोई ताल्लुक हो सकता है क्या? मुझे जितना खुद पर अहतमाद है, उतना ही मुलाजमीन पर भी। तो आपके नजदीक ये किसने किया है? कोई मेरा नाम खराब करना चाह रहा है, ये जाहिर है। तो क्या आपको किसी पर शक है? तुमने देखा कि वो कितना परेशान है। सबको अलर्ट कर दिया है। अच्छा, तुमने मिस इकबाल का चेहरा देखा था? हाँ। नहीं, मगर मैं उनके सामने नहीं करता ऐसे। खैर ये तो है, तुम इमेजिन करो जरा, जब फरीद को पुलिस लेने आई होगी तो उसका चेहरा कैसा बना हुआ होगा। देखो, मुझे उसका चेहरा सोच के इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। बस करो मेरी जान। जब फरीद अपनी कंपनी में ताकत खो देगा, ब्लूट को खो देगा, जब वो अपना सब कुछ खो देगा मेरी जान, उस वक्त जो फरीद के तासुरात नुमाया होंगे वो हम सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे।
क्या हुआ, कहाँ है वो? हम इंतजार कर रहे हैं। और कितना इंतजार करना होगा एंगिन? वो कुछ नहीं कर सकते नाजली, उन्होंने इंतजार करने को कहा है, इजाजत नहीं दे रहे किसी को। इसका कोई हल तो होगा ना, मैं बीवी हूँ उसकी, मुझे हक है उसको मिलने का। सही कह रही है, रुको मैं इससे पूछती हूँ। थानेदार साहब माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ पूछना था आपसे। नाजली साहिबा फरीद साहब की अहलिया है, क्या ये उनसे मिल सकती है? मुझे पूछना होगा, जरा रुकिए। ठीक है, इंतजार करते हैं सब्र का इंशाल्लाह। नाजली परेशान मत होना तुम, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। सर ने थोड़ी देर के लिए आप लोगों को मिलने की इजाजत दे दी है। आ जाए, आइए नाजली साहिबा, मैं जा रहा हूँ। यार मुझे ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, यहाँ पे चाय कॉफी वगैरह कुछ भी नहीं है क्या? नीचे है खाना, रुको मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। डेनिस तुम्हें कुछ चाहिए क्या नीचे से? हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें घर पे इंतजार करने को कहा था। मैं नहीं रह पाई। तुम मेरे लिए परेशान हो गई हो? नहीं वो बात नहीं है, तुम यहाँ हो तो मेरा घर इंतजार करना अजीब था। समझ गया, तुम्हारा मतलब कि तुम फर्ज अदा करने आई हो। हाँ अगर मैं नहीं आती तो ये रिश्ता। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुमने याद किया? कुछ घंटों के लिए भी तुमसे जुदा नहीं रह सकता। डेनिस हमें बाहर से देख रहा है। मैंने भी बहुत याद किया, बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चला गया क्या? हाँ वो है। घर तुम्हारे बगैर अजीब लग रहा था, जैसे मेरे ऊपर गिरने लगा हो। मैं जल्दी यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, परेशान ना हो, तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। काश सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। इसलिए मुझे हक्कान के सारे बुरे कामों का राज अफशा करना है जल्द से जल्द, ताकि ये झूठी शादी खत्म हो सके। क्या वो चला गया? हाँ अभी अभी। तुम्हें लगता है कि उसे शक हुआ? मुझे नहीं लगता, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। डेनिस अंदर है क्या? नाजली अभी बाहर नहीं आई। इंगिन तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये? डेनिस तुम्हें पता है फरीद के ज्यादा दुश्मन नहीं है, और अगर कोई है तो उसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ कान है ना? बलूत की वकालत का दावा करीब है, वो वकालत रखने के लिए कुछ भी करेगा। हाँ बगैरत। माफ करना मुझे डेनिस यार, शायद तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि वो तुम्हारी बहन का शौहर है। मैं जाकर पूछता हूँ और देखता हूँ क्या कहते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। यह हकान ने किया है, तुम्हें उस पर शक है? ये ट्रक वगैरह और कौन करेगा? लगता है ऐसा ही है। वो इतनी नफरत क्यों करता है तुमसे? वो सिर्फ मुझसे नफरत नहीं करता, मेरे घर से, डेनिस के घर से, सबसे नफरत करता है वो। तुम इस बात से बेवकूफ मत बनना कि वो डेनिस और बुलेट से अच्छा बर्ताव कर रहा है। मैं तो कभी भी ना करूं। यहाँ तुम कब तक रहोगे? अभी पता नहीं मुझे, शायद रात यहीं गुजरे और शायद दिन भी। फरीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इन बकवास कामों की वजह से यहाँ एक सेकंड भी रुको। मैं उन मियाँ बीवी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मुश्किल से आई हूँ यहाँ, दिल कर रहा है हकान को जाके जान से मार दूँ।
ऐसा कुछ मत करना। जरूर। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ बाहर। जरूरी नहीं है। क्या मतलब जरूरी नहीं है? तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे सबको शादी पर यकीन आए। इसका मतलब जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि तुम मेरे लिए परेशान हो। घर जाओ और आराम करो। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ना चाहती। वैसे खुदाया, आसपास कोई नहीं है, हम तो फजूल में गले मिले। अब मैं चलती हूं। फरीद साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है। परेशान मत होना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखो तो जरा एंगिन, अल्लाह कितनी सच्ची मोहब्बत लगती है ना इनकी। कैसे? मेरा मतलब है कि कितनी अच्छी कहानी है ना इनकी, बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ, हकीकी है। वाह, कितने इनामात और कितनी गाड़ियां, ये कहां से मिली? वाह डेनिस, खुशामदीद, तुम यहां कहां से आए? ये सब तुमने ही कराया है ना हकान? क्या कराया है डेनिस? क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, तुम ये जानती हो कि क्या मतलब है मेरा, झूठ नहीं बोलना, समझे? फरीद को तुमने गिरफ्तार करवाया है। ओह खुदाया, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब मुझ पे फरीद की गिरफ्तारी का इल्जाम लगाया जाएगा। हाँ कान, सच बोलो। मुझे पता है कि फरीद ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे हमारे खानदान की इज्जत और वकार को नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं करता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ जो मुझे, मेरी कंपनी और घर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हकान एक पागल है, क्योंकि हकान सबकी तरह फरीद से नफरत करता है। वो अपनी बीवी की कंपनी, खुदा रहम करे, तुम्हारे भाई के नाम को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हकान हर किसी के साथ ऐसे ही साजिश करेगा। वो सोचेगा नहीं कि कल को कोई मुसीबत होगी। क्यों? क्योंकि हकान पागल है। डेनिस, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें कौन उकसा रहा है। पता है, मगर खैर, मगर मुझे ये दोहराने दो, मैं ये 250 मरतबा कह चुका हूं, मेरे प्यारे भाई मैं मासूम हूं, कसम से। चाहो तो मेरा दिल चीर कर देख लो, ये मेरा कसूर नहीं है। देखो, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके खिलाफ किसी ने साजिश की हो। मैं कसम खा के कहता हूं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं यार। तुम कुछ भी बोल लो हकान, आखिरकार सच सामने आ ही जाएगा। तो ये ताजा खबर है डेनिस, पुलिस का क्या कहना है? पता नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। डेनिस, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही सब कुछ कहा उन लोगों से जो कंपनी के लिए बेहतर था। इस बात का मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? बहुत इमरजेंसी में कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि और तुम तो वैसे भी कंपनी में नहीं होते। मैंने बताया था कि मैं कंपनी में मुकम्मल तौर से एक्टिव हो चुका हूं और इस मामले में सीरियस हूं बहुत। कल मैं एक नुमाइश की इफ्तिताह करने वाला हूं, कुछ खास लोगों को दावत दी गई है। खैर, तुमने अच्छा सोचा, लेकिन
इस माहौल में नुमाइश करना मुनासिब नहीं है। मैं भी यही सोचता हूँ, मगर इफ्तिताह मनसूख करना हार मानने के मुतरादिफ है और इसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। मैं इत्तफाक करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी बहन के साथ मैं वहां आऊंगा, हम तुम्हारे साथ होंगे। देखो डेनिस, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया, चलता हूं मैं। अपना ख्याल रखना। रखूंगा। ऐसे जैसे मैंने रखी है मंशा ट्रक में। खुदाया। डेनिस, डेनिस रुको, मुझे कुछ बात करनी है। बात सुनो मेरी, मेरी जान। हाँ, कान के सामने नहीं पूछना चाहती थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, ठीक हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं नाज़ली और फरीद की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम कितनी तकलीफ में हो? मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आदत हो जाएगी मुझे इन सब चीजों की। मैं जानती हूँ कि मोहब्बत का दर्द कितना तकलीफ दे होता है, इसीलिए अगर बात करनी हो या साथ की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। मिलते हैं। जरूर। अब दोहराते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। ट्रक ड्राइवर का क्या? ठीक है भाई, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर उनसे सुबह तक भी सवाल करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन लोगों का क्या हुआ जिनको ट्रक तोड़ने के लिए भेजा था हम लोगों ने? वो भी सही है भाई, कोई मसला नहीं है उनका। उन्होंने काम किया अपना, पैसे लिए और चले गए यहाँ से। हमारे बुलाने तक गायब है वो। मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए या कभी भी ना बुलाएं। गुड इवनिंग बाकिर। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है यहाँ? क्या करें, कुछ भी नहीं, काम की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा हम सुबह करेंगे। अच्छा अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। मैडम अपना ख्याल रखिए। गुड इवनिंग। वाह फरीद वाह, वो ऐसे जीता है जैसे उसके पास से ताकत कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पता भी नहीं चलता कि कब जवाल आ जाता है। हाँ जाहिर है, अगर तुम्हारा मुखालिफ मेरी तरह अकलमंद है, ध्यान रखना होगा। इस पर दस्तखत होंगे। फरीद साहब, आपको चाय कॉफी वगैरह कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं, मैंने पहले ही काफी कॉफी पी ली है। मैं कमिश्नर से बात करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, वो आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने अपने खिलाफ शिकायत पड़ी है, मुझे उनसे बात करनी है। सॉरी फरीद साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं आपको चाय पिला सकता हूँ। चाय भेज दो। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद था बहुत। कैसी हो? बस ठीक हूँ, न्यूज़ का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा। जाहिर है तुम्हारे लिए मुश्किल बात है, शादी का पहला दिन जो है। हाँ बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने, क्यों हो गया सब कुछ। हाँ बिल्कुल, इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी, मसलन कि तुम्हारी शादी हो गई। ये इश्क है,
बहुत ताकतवर होता है। हाँ, हमारी अचानक शादी हो गई, लेकिन तुम्हें पता है कि जल्दबाजी की वजह सिर्फ बलूत है। हम जल्द से जल्द दावा करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जाहिर है सिर्फ बलूत के लिए शादी थोड़ी की है तुम दोनों ने। वो मौजू भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, है ना नाजली? ये लीजिए, आ गई है आप सबकी गर्मा गर्म चाय। अब उठा लो ये। मेरी जान। हाँ बोलो। मुझे लगता है फरीद असलान सदारत नहीं कर सकता। इन शिकायतों के साथ हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जल्द राजी करके नया एतवार तलाश करना होगा। बिल्कुल हाकान, हम उम्मीदवारों के दरमियान खुद का इंतखाब करवाएंगे। मैं खुद को सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश करूंगा। अच्छा। इतने कॉन्फिडेंट ना हो, फिर शायद हो सकता है कि हमारी कंपनी को एक खूबसूरत प्रेसिडेंट की जरूरत हो, क्या ख्याल है? इधर आओ मेरे पास, मैं किस्मत के आगे हथियार डालता हूँ मेरी जान। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारा खूबसूरत दिमाग इन मामलात में ना उलझे, समझी? लेकिन अगर तुम ये चाहती हो तो ताकत का मजा लूटो। मैं तुम्हारे लिए तफसीलात का ख्याल करता हूँ, ठीक है? मुमकिन है, मगर तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ। क्या? तुम्हें यकीन है कि फरीद की जान नहीं छूटेगी इस केस से आसानी से? मेरी बात सुनो, आदमी सारी जिंदगी वहाँ नहीं रहेगा, लेकिन काश जेल में चला जाए, ज्यादा अच्छा है। देखेंगे, अगरचे मंशियात का पकड़ा जाना बड़ी चीज है, लेकिन प्रोसीजर ज्यादा वक्त मांगेगा। मेरे ख्याल से मुमकिन है कि वो ज्यादा देर रुके। तो मतलब हमारे मुकद्दर में कुछ दिनों के लिए सुकून है? अभी ऐसा लग रहा है। ये अच्छा है। हाँ बिल्कुल। डेनिस, आलिया कहाँ है यार? पता नहीं कहाँ गायब है, मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद है। आलिया चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मुल्क से बाहर जाने का प्लान था उसके साथ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं यहां रहना चाहता था और वो खुद चली गई। तुम लोग फिर अलग हो गए क्या? हम पहले ही अलग थे। यानी आलिया इसीलिए जा चुकी है क्योंकि उसने तुम्हारी तरफ से अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। मुझे बुरा लग रहा है यार, उसे बहुत प्यार करती थी मैं। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ और मैं उसे अलविदा भी नहीं कह सकी। हाँ बुरा हुआ, मुश्किल था, लेकिन कभी मुश्किल काम भी सही होता है। ऐसा होना बेहतर था हम दोनों के लिए, और मैंने वाकई उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसके साथ ना जाने की क्या वजह है? आसुमान, ठीक है तुम मत बोलो बीच में। मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए हो तो फोन करके बता देना मुझे। ठीक है, हम फिर बात करते हैं। शब बख़ैर। गुड नाइट। अब चूंकि सारा मजा किरकिरा हो चुका है तो मैं सोने चलती हूँ। गुड नाइट। ठीक है आसमान। यार नाजली, डेनिस जैसी बातें कर रहा था ना, उसे शक है तुम्हारी शादी पे, उसने कुछ सुना तो नहीं? बताओ मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल से वो अजीब बर्ताव कर रहा है बहुत। हाँ, तुम्हें ध्यान करना होगा नाजली, ये बात समझ लो तुम। जब तक डेनिस तुम्हारे आसपास है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से रहना होगा। फतोश, मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती कुछ, मैं सिर्फ फरीद के लिए सोच रही हूँ। हाय, मुझे बड़ी नींद आ रही है नाजली, पूरे दिन इतना ज्यादा थक गई हूँ कि बस अब नींद आ रही है। तुम भी बहुत थक चुकी होगी, सो जाओ। नहीं, अभी थोड़ा सा जागना होगा, ये जरा साफ सफाई कर दूं मैं।
फरीद, मैं यहां हूं। तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। तुम्हारा इंतजार करते हुए सो गए। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? हम ख्वाब में नहीं है, ये एक हकीकत है नाजली। अरे क्या कर रही हो, चूटी क्यों काट रही हो? तुम सच में आ गए? हाँ बिल्कुल। तो सब कुछ ठीक हो गया? मुकम्मल तौर पर नहीं, उन्होंने मेरा बयान ले लिया और जाने को कहा। थके हुए होगे और भूख भी लगी होगी। सारा दिन से चाय कॉफी पी है। वेजिटेबल सूप है, लेके आऊं? बिल्कुल, जो मुझे चाहिए अभी लेके आई। ये बहुत ही मजे का है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आया। ये शादी का अच्छा पहलू है। बहुत जालिम हो तुम। क्या किया तुमने रात को? बहने आई थी क्या? हाँ, ऊपर सो रही है वो, और डेनिस भी आया था। वो क्यों आया था? फिक्रमंद हो रहा था वो। मजे किए जा रहे हैं। फरीद, खुश आमदीद। शुक्रिया फतोश। अरे अचानक आँख खुल गई और मुझे आवाज आई तो मैं बाहर आ गई। उम्मीद है कि मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तुम लोग आराम से खाओ, मजे करो, जो चाहो करो, अपना ही घर समझो इस घर को। खैर फरीद, फिर से खुश आमदीद इस घर में। खुश आमदीद फतोश। तू बहुत जबरदस्त बना है ना। अरे मेरी जान नाजली, मुझे भी कसम से बहुत ही ज्यादा पसंद आया। पता नहीं कितना सूप पी गई मैं हप हप करके। फतोश, तुम्हारी नींद खो गई है क्या? अरे नहीं यार, मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आँख खुली और बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। मैंने सोचा कि नीचे आके पानी पी लेती हूँ, उसके बाद बस मैं वहाँ से यहाँ आ गई। और फिर पता नहीं तुम लोगों को देखा तो बस। ग्लास किधर है नाजली? यार वहाँ से यहाँ तक का बहुत लंबा फासला है। फरीद, बहुत बड़ा घर है माशाल्लाह। वाकई अपने कमरे से अगर खत भेजूँ तो नाजली के कमरे तक 3 दिन में पहुँचे। फतोश, ये क्या हो गया है तुम्हें? और पता नहीं मुझे। मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं तो सोने जा रहा हूँ। मेरे मतलब है हमारा कमरा। क्या तुम्हारी हो जाने में? हमारा कमरा। सोने चलते हैं, देर हो गई है। हम सब सुबह एक साथ नाश्ता करेंगे, है ना? ठीक है, नाश्ता करेंगे। फतोश, हम कमरे में जा रहे हैं। गुड नाइट। ठीक है नाजली, आराम से सो जाओ। गुड नाइट। मैं ये सब साफ कर देती हूँ, ठीक है? सूप से सेहत मिलेगी हमें। ये कौन सी मजबूरी है एक कमरे में रहने की? क्योंकि आसमान और फतोश यहाँ है। इसका मतलब वो अपने कमरों में सोई हुई है। तुम आसानी से अपने कमरे में जा सकते हो, उन्हें पता नहीं चलेगा। हम सुबह सबसे पहले उठ जाएंगे। हमें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हमें सिर्फ दिन के वक्त मियां बीवी बनके रहना होगा। ऐसा करना खतरनाक है, क्या बोलती हो तुम? असल खतरा तो हमारा सास सोने में है। क्या? शायद तुम्हें जमीन पर सो जाना चाहिए। मैंने सारा दिन कुर्सी पर गुजारा है, तुम्हारे ख्याल से ये जुल्म नहीं है? लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो। नहीं, मैं नहीं चाहती। ठीक है, फिर तुम कोने पर सो जाओ जाके। और तुम? मैं भी सो जाऊंगी ना साथ, और क्या करूं, बड़ा बिस्तर है, सो जाएंगे। गुड नाइट नाजली। गुड नाइट। पहनने के लिए ढूंढ रही थी। सोते वक्त जरा हाथ पैर कम चलाना। मैं बराबर में सो रही हूँ तुम्हारे।
मुझे पता है तुम नहीं सो रहे हो फरीद। फरीद आई लव यू। क्या देखा? पता था मुझे तुम नाटक कर रहे हो। गुड नाइट जानेमन, मैं भी मजाक कर रही थी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहाने जा रहा हूं मैं। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। कल रात तुम कहो। बस पूछ रही थी कि कल रात कैसी नींद आई। मजाक कर रही हो, बहुत बुरी रात थी। बिल्कुल बच्चों की तरह सोती हो तुम तो। मैं कभी भी बच्चों की तरह नहीं सोती। मेरी नींद बहुत कच्ची है, मतलब मैं बहुत मुश्किल से सोई कल रात को और थकावट की वजह से सो गई, वरना कभी नहीं सोती। जिंदगी में इतनी बुरी रात नहीं गुजरी मेरी। खैर उम्मीद करता हूँ कि आइंदा एक साथ ना सोए हम। इंशाल्लाह। तो ये नया नवेला शादी का जोड़ा एक साथ अकेला है और नाश्ता करेगा, और नाश्ता भी मेरी आप अपने हाथों से बनाएंगे, मुझे पता है। गुड मॉर्निंग मनामी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लड़कियों, इतनी सुबह रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो? हाँ दरअसल हम इतना जल्दी आना तो नहीं चाहते थे, मगर हम क्या करें, हमें आना पड़ा। नाजली कैसी है, क्या सब खैरियत है? हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस हम नए नवेले शादीशुदा जोड़े को अकेला छोड़ना चाहते थे, इसीलिए जल्दी आ गए। इसका मतलब फरीद आ गया है? आ गया आ गया, उन्होंने उसका बयान लेकर उसको अब छोड़ दिया है। खैर फरीद कैसा है? उस पर बहुत संजीदा इल्जामात हैं। हाँ यार, लेकिन ये किसी की बहुत गंदी साजिश है, गुस्से में है बहुत। एंगन कहता है कि ये सब कुछ उस हकान ने किया है फरीद के साथ, बहुत ही बुरा आदमी है। मेरे ख्याल से वो सही है। फतोश एक बात तो बताओ मुझे, क्या एंगन अच्छा दोस्त नहीं है? क्योंकि वो तो रोज फरीद के साथ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका अच्छा दोस्त है, एक सच्चा दोस्त है, बल्कि सबको ऐसा दोस्त चाहिए होता है। लड़कियों मुझे लग रहा है कि मैं एंगन से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। क्या? हाँ मुझे उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता है। लड़की तुम्हारा फिर से दिमाग खराब हो गया है? ये आए दिन तुम्हें शादी ना करने का कौन सा दौरा पड़ जाता है? मेरा ख्याल था कि वो कोई जादू का लम्हा है, इसी वजह से मैंने उसे हाँ कर दी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गलत फैसला था वो। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। अरे फतोश तुम एंगन से प्यार नहीं करती क्या? हाँ प्यार करती हूँ जाहिर है, लेकिन मैं एक दोस्त की तरह उसे पसंद करती हूँ। जैसे तुम तारी को पसंद करती हो, वैसे ही मैं एंगन को पसंद करती हूँ। फतोश बिना वजह के कंफ्यूजन पैदा करने की क्या जरूरत है? लेकिन अब क्या हो सकता है, वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, समझो। मुझे उससे बात करनी होगी। बिल्कुल। हाँ। कैसे बात करूंगी मैं उससे? मैं उसके सामने जाकर क्या कहूंगी कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ? मैं ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं कर सकती यार। मैं सोच रही हूँ खत लिख दूँ क्या उसको मैं। अब ये क्या बेवकूफी है फतोश, ये खत क्या होता है? शर्मिंदगी की बात होगी ना? बहुत गलत बात है ना? उफ खुदाया मेरी मदद कर, क्या करूंगी अब मैं यार। कसम से इस तरह मेरी शादी होगी कि बच्चे हो जाएंगे लेकिन मोहब्बत नहीं होगी एक दूसरे से। फतोश यार अब तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। कैसे? तो अब तुम एंगन को खुद से अलग कर दोगी क्या? तुम्हारे इस तरह के एटीट्यूड से एंगन तुमसे खुद ही दूर भाग जाएगा। हाँ लेकिन मैं कैसे करूंगी ये, वो लड़का मुझसे सच में बहुत मोहब्बत करता है।
मेरी बात मानो, तुम अपना रवैया बदलोगी तो एंगिन तुमसे कभी भी दूर नहीं भाग सकता, और इस तरह से तुम दोनों के बीच कोई मसला भी नहीं होगा। सुमन तुम तो बहुत मजाकिया हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। कल मुझे जो कहना था कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। मुझे भी चाय चाहिए, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ। क्या बनाया है, क्या करूंगी अब यार मैं। गुड मॉर्निंग। लड़कियां जल्दी चली गई थी, शायद हमें अकेला छोड़ना चाहती थी वो। तुमने इतनी जहमत सिर्फ हमारे लिए की है। कौन सी जहमत, ये तो नॉर्मल नाश्ता है बस, अवन में पैटीज रखे हैं। नाजली मुझे जाना है। नाश्ता? मुझे बाहर जाना है। पैटीज? तुम खाओ मजे से, आराम से नाश्ता करो। सलाम एंगन, मैं कंपनी आ रहा हूं अभी, सब तैयार है? हक्कान का कंपनी में बटन दब गया है ना? चलो ठीक है, मैं आता हूँ तो फिर शुरू करते हैं। कैसी शादी है ये, ना जाने से पहले प्यार करना, ना खुदा हाफिज कहना बीवी को, मेरे साथ नाश्ता भी नहीं किया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया। तो कल क्यों कह रहे थे याद आ रही थी मेरी? लड़कियों, लड़कियों ये मैसेज आलिया की तरफ से आया है देखो। अच्छा, ये काफी दिन से ऑफलाइन थी, क्या वो कोई पिक्चर अपलोड की है? नहीं नहीं मेरी जान, उसने मुझे जाती मैसेज भेजा है, देखो तस्वीर भी भेजी। दिखाना। दिखाओ, ये लंदन की पिक्चर नहीं है? अरे वाह, उसने बिग बैंग के सामने अपनी पिक्चर ली है। दरअसल उसने जो डेनिस के साथ प्लान बनाया था ना, उसने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद वो सीधा लंदन चली गई अपनी दोस्तों के पास। आलिया तो बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ यार, बहुत अच्छी लड़की है कसम से, लेकिन डेनिस ने उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। माफ करना, जरा बताओगी मुझे कि कैसे? वो शुरू से ही बात कह रहा है कि वो आलिया के साथ नहीं रहना चाहता, आलिया सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ रहना चाहती थी। कुछ जाने बिना ये कहना बहुत आसान है आसुमन बीबी, लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है। आप ऐसा तब करते हैं जब आप अकेले हों। अगरचे मैं कहती हूँ कि प्यार करो, लेकिन अगर प्यार आपको इतना दर्द देता है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्यार करने की, बाहर में डालो प्यार को। खैर ये छुट्टियाँ उसके लिए काफी अच्छी रही, काफी खुश लग रही थी मुझे, पिक्चर में मुस्कुरा रही थी अपनी। हाँ हाँ, मगर मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, अगर वो यहाँ होती तो हम बैठकर बहुत सारी बातें करते। हाँ वाकई, बाद में उसके बगैर बिल्कुल भी मजा नहीं आता मुझे। हाँ वाकई, तुम्हें क्या याद नहीं है कि वो कैसे बिजली की रफ्तार से हमारी जिंदगी में आई, और यार क्या धमाका करती थी वो स्टेज पे। अरे क्या दिन थे वो भी यार। मनामी, मनामी पता है आलिया के साथ कभी भी कोई बोर नहीं हो सकता। मैं उसके पास लंदन चले जाऊँ क्या ख्याल है? मैं बेबी सिटर की जॉब करके भी वहाँ पैसे कमा सकती हूँ। मैं और आलिया खूब घूमेंगे इधर उधर, तुम बच्चों को देखोगी। हाँ हाय, मुझे तो तरस आ रहा है उन बच्चों पर। ऐसा गुना मत करना। ऐसा क्यों कह रही हो लड़की, देखो मेरे पास इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो वो किसी ना किसी बार में तो जॉब कर ही लेगी, साथ में मेरी भी जॉब लगवा देगी, इस तरह से हम दोनों बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं साथ मिलकर, इस तरह हम लंदन में खुशी खुशी रह सकते हैं मिलकर। ख्याल तो देखो, तुम लंदन नहीं जाना ठीक है ना, समझ लो मेरी बात, क्योंकि तुम वहाँ जाकर ना पूरे शहर में जहर भर दोगी, फिर क्या होगा लंदन का, मैं तो यहाँ पर हसरत से ही मर जाऊंगी। हम आलिया के लिए भी क्या एक अच्छी सी तस्वीर ले? हाँ लेते हैं चलो। मनामी आओ, आलिया को एक सेल्फी भेजनी है, चलो पिक्चर लेते हैं। हाँ चलो लेते हैं। रुको मैं तुम्हारा बाजू पकड़ लेती हूँ। आसुमान रुको रुको, ये वाला फिल्टर लगा लो, ये वाला। अरे क्या कर रही हो आसुमान? मैं क्या करूँ, बाहर निकल जाऊंगी। हक्कान साहब, हम इन तमाम तफसीलात पर मुत्तफिक हैं, हम मुहिदे पर दस्तखत करने के मुंतजिर हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा सौदा हो गया फरीद साहब के साथ, और दस्तखत करना चाहते हैं मुहिदे पर। अभी ये बताओ कि फरीद साहब यहाँ मौजूद हैं तो कोई सौदा नहीं होगा, उसके बाद उनके सामने बिल्कुल नई पोसूला होल्डिंग है। इनका कहना है कि मिस्टर फरीद, हेलो कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद, मैं यहाँ हूँ। हेलो कैसे हैं आप? हमारी गैर मौजूदगी में हमारे मेहमानों का ख्याल रखने का शुक्रिया, आप तुम जा सकते हो। क्या है भाई, क्यों सुबह से फोन कर रहे हो मुझे? किस किस्म का छापा? बेटा हमारी किताबों का मुआयना पहले महीने नहीं हुआ था। शिकायत? किसने की शिकायत?
इकबाल के यहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? ये लीजिए। सब कुछ पहले से तैयार है, हम दस्तखत कर सकते हैं। मुझे पेन दीजिएगा प्लीज। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। ये रहा एग्रीमेंट। नहीं देमित मैम, वो अभी नहीं आई। नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अगर मैं ज्यादा सवाल करता तो वो शक करती। चलो ठीक है। नई जॉब है तुम्हारी, खूब दिल लगाकर काम करना वहां। चलो अब मैं काम में थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे, खुदा हाफिज। क्या इत्तेफाक है, मेरा फोन भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये फोन बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत महंगा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, बस उसने गिफ्ट किया था मुझे मेरी सालगिरह पे। काफी लकी हो, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त इतना महंगा तोहफा दे दिया उसने तुम्हें। वैसे इतने महंगे तोहफे देना अजीब बात है। मैं काम पे जाता हूँ, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। थैंक यू फरीद साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मिलान में जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। मिलकर खुशी हुई। सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। ये बात तो सच है कि ये तुम्हारे साथ एक धोखा है, इसके पीछे कौन होगा? इन सवालों का जवाब तुम्हें मालूम है। मुझे भी हकान पर ही शक है। वो आदमी पहले ही हस्बे मामूल मुश्तबा है डियर। खैर मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, फिर बात करते हैं। कानून का पहला असूल है, हर कोई जुर्म साबित हो जाने तक मासूम है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, पुलिस तहकीक कर लेगी। यार ये सब मामला तो चलते रहेंगे, एक बात बतानी है तुम्हें। आज नक्श निगारी की नुमाइश है। मुझे पता है कि इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं थी, मगर इसका प्लान मैंने बहुत पहले कर लिया। अरे नहीं 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 नहीं, फन की नुमाइश के लिए किसी वक्त की जरूरत नहीं होती, हमें हमेशा उनकी जरूरत है। और हम सब लोगों को उसकी ओपनिंग पर जरूर जाना चाहिए। कुछ अरसे हम सब लोग अदालत और तहकीकात से उलझे रहे, मेरा तो यही ख्याल है, और ऐसी चीजों का होते रहना तो हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि यानी नाजली की तस्वीरें तुम्हारे साथ प्रेस में शाया हो गईं, फिर तुमने शादी का ऐलान कर दिया, फिर प्रेस में तुम्हारा ये बयान आ गया कि तुम शादी करने वाले हो। इस वजह से ये तमाम मामलात रुक गए थे, तुम्हारी शादी की वजह से। ये बात सबके लिए बहुत ही दिलचस्प रही। हाँ यही है, तुम सही कह रहे हो, फजूल में तो नहीं कहते, जिंदगी इसी के नाम है, जो इंसान प्लान करता है वही करता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या मंसूबा बना रहे थे। कुछ अरसा खेलने का सोच रहा था, पुरसुकून, थोड़ा दूर। फिर मैंने सोचा कि जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी बुलुत को बचा लेंगे, लेकिन मंसूबा बदल गया। फिर आज मंसूबा मत बदलना, इसे तापे मिलते हैं। जरूर। मैं नुमाइशगाह पर रहूंगा, मिलते हैं, देखेंगे। सलाम तहमत साहिबा, अच्छी खबर नहीं है, आसमान को मुझ पर शक हो गया है। क्या मतलब है शक? ऐसा क्या हुआ कि उसको शक हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं था, जब मैं आपसे बात कर रहा था वो पीछे से आ गई थी, बहुत अजीब बातें कर रही थी। खुदा गारत करे। देखें तहमत मैम, मैं नहीं जानता कि आसमान और कितना जानती है, लेकिन अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकता मजीद। मुझे मेरे बकाया तयशुदा पैसे दें ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इससे पहले कि पकड़ा जाऊँ। पकड़े जाने का सोचना भी नहीं, सुना? कॉल कट करो और काम पे जाओ ताकि वो तुम्हें और नोटिस ना करे, समझ गए? मेरी कॉल का इंतजार करना। क्या मुसीबत है यार,
फजूल में नहीं कहते कि जब मुसीबत आती है तो दोनों तरफ से आती है। हेलो हकान, एक और मुसीबत आ गई। होटल में लोगों को शक हो गया है बुराक पर। उस आसुमान को शक हो गया है उस पर। हम क्या करेंगे? जाने मत प्लीज। मैं थका हुआ हूँ। एक तरफ सारी इंतजामिया, दूसरी तरफ माशी लोग। वो एक एक करके मेरी तामीरात बंद कर रहे हैं। तुम मुझे क्या बता रही हो? जहन्नुम में जाए बुराक, बाद में बात करते हैं। ओ मेरे खुदाया, तुम हम क्या करें भाई? क्या पता क्या करना है। क्या तुमने दीगर तामीराती मुकामों पर आदमी भेजे? भेजिए भाई, वो इंतजामिया के पास गई है, वो समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। फरीद फरीद, चलो अभी यहाँ से घर चले। मुझे घर जाके सुकून से सोचने दो, मैं बाद में हमला करूंगा। ठीक है भाई। हकान ने हमारे एक मुलाजिम से माल वाले ट्रक का रास्ता पूछा था, तो जब ये सब कुछ हुआ वो लड़का डर गया और उसने मुझे बताया। आखिरकार ये राज की मालूमात नहीं, यानी हम ऐसी जगह से पता कर सकते हैं जहां हमने पहले काम किया है। इसके अलावा ये अजीब लग रहा है कि हकान साहब ने ये फेरे ज्यादा तादाद में मांगी। देखें क्या होता है आगे। तमाम पकड़े गए ट्रक्स उन ट्रक्स को तब्दील करने गए थे जो कि सड़क पर खराब हो गए थे। 6 ट्रक खराब हुए जिसमें से 4 के अंदर मंशियात बरामद हुई। मौजे कभी नहीं रुकते, जाहिर है हकान ने किया ये। और उसने वो ट्रक खराब किए और उसी ने डैमर की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। ताहिर को काम पर लगाया हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं, उन्होंने उस पर एतमाद नहीं किया। इस मालूमात के साथ हकान साहब पर इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन ये बात वाज़े है कि इस बुरे काम में उनका ही हाथ है। फिलहाल हकान की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का मुआयना हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी सब कुछ सामने आ गया है। क्या ये सारे सबूत हमारे लिए सूदमंद नहीं है? बिल्कुल फरीद साहब, तो बिना देर किए हम अदालत में दरख्वास्त जल्दी करते हैं आपकी रिहाई के लिए। फरीद साहब और हकान साहब के खिलाफ जो हमारे पास सबूत हैं, हमारे हाथ मजबूत है बुलुत की वकालत हासिल करने के लिए। हाँ, फिर एक मिनट भी हमें जाया नहीं करना चाहिए। जी सर। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मसरूफ हूँ, आज रात को इफ्तिताह पर मिलते हैं। ठीक है फरीद साहब, मिलते हैं। हकान का क्या मंसूबा है, उसने कभी नहीं बताया तुम्हें क्या ताहिर? नहीं फरीद साहब, मुझे लगा वो मुझे काम देने वाला है इसलिए मैंने आपको फोन किया, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी का काम करवाया मुझसे। उन्होंने ट्रक की तोड़ फोड़ की, बहुत सारे ट्रक। हमने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम गाड़ियों को समझते हो। उन्होंने तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट काम में क्यों इस्तेमाल नहीं किया? पता नहीं फरीद साहब, शायद वो मुझ पर यकीन नहीं करते। तो कब यकीन करेंगे ताहिर? मैंने तुम्हें हकान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन फिर मुझे ही शिकस्त हुई। क्या कुछ और है जिसका मुझे नहीं पता, बताओ मुझे। नहीं फरीद साहब, क्या ये हो सकता है? कभी नहीं। नहीं होगा ताहिर, मैं आहिस्ता काम करना चाहता था लेकिन मेरा सब्र खत्म हो रहा है। ठीक है फरीद साहब, मैं अपना काम कर लूंगा। ख्याल से करना। मैं पागल हो जाऊंगा, कपड़े फाड़ दूंगा। इस सूरत हाल को देखो, मेरे 2 तामीराती मुकामात पर काम रुक चुका है। ये नौकरी की हिफाजती सनद क्या होती है? भाई आपने तो कहा था कि वक्त जाए मत करो, आगे बढ़ो, हम देख लेंगे। इसका मतलब किसी ने जासूसी की? लानत, कोई नहीं कोई नहीं। फरीद, ये सब फरीद ने किया है। ये आदमी कब से हमारा पीछा कर रहा है? मेरे तामीराती मुकामात बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुआशी शोभा मेरी किताबों का मुआयना कर रहा है। उसको हिसाब देना होगा, वो देगा। क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। मुझे नहीं पता, हम फरीद असलान की गाड़ी उल्टा देते हैं या उसके सर में गोली मार देते हैं, जो भी करना है करो। भाई मेहरबानी करे, पहले सब कुछ खराब हो चुका है, हम मजीद अपनी तवज्जो अपनी जानिब कर लेंगे। बेकेर, देखो मुझे सुकून की जरूरत है, मैं पागल हो रहा हूँ। तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है? भाई अब परेशान ना हो, आराम से चलते हैं। अच्छा बिकर, बहुत आराम से चलते हैं, बहुत आराम से। हम अपना नाक भी काट लें तो सब यही समझेंगे कि हमने ही कुछ किया है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये जो नया लड़का है, क्या नाम है इसका? ताहिर। हाँ ताहिर, ताहिर, हम उसको नए काम में शामिल करेंगे। ठीक है? ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, संभाल लेंगे। मैं उसको दिखाऊंगा, आप, मैं दिखाऊंगा कि हकान अंदर के साथ खेलने की सजा क्या होती है। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे चाहिए था, बहुत अच्छा है। देख तो रहा हूँ पर चखूंगा तो पता चलेगा ना भाई। देखो बहुत
बहुत लजीज। गुड लक। सबसे अच्छी चीज तो अभी रहती है, इस पे चटनी डाल। क्या हाल है तुम लोगों के? फरीद, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा नया असिस्टेंट है, दुआएं इसके लिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा लीमू चटनी चाटता हुआ गुजर जाऊं, बहुत लजीज है। वैसे आने की एक और वजह भी थी। तुम कल भी आए थे ना, जब मैं नहीं था। मेरे पीछे मेरी बीवी का ख्याल रखने का शुक्रिया। मैं भी फिक्रमंद हूँ। बहुत शुक्रिया डेनिस, शुक्रिया। थोड़ी देर बैठें, कॉफी पिएं, ऊपर। नहीं, एक्चुअली मुझे नुमाइश पर जाना है, बाद में मिलते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर तैयार है तो मुझे भी मिल सकती है? आखिरी काम रह गया है, बस तैयार करके देती हूँ। ठीक है, मैं ऊपर हूँ। कुछ देर बात कर सकती हूँ? बहुत जरूरी बात है। क्या बात करनी है आसुमान? बस एक सेकंड। कहो जो कहना है। मुझे लगता है दैमित साहिबा ने हमारे बीच जासूस छोड़ा हुआ है, बुराक नाम है उसका। वो दैमित साहिबा के लिए काम करता है, उन्हें खबरें देता है। ये तुम्हें कैसे पता? दैमित साहिबा ने मुझे फोन दिया था तोहफे में, काफी महंगा था वो फोन। बुराक के पास भी वही फोन है। हाँ, लेकिन महंगा फोन आपको जासूस नहीं बनाता है। ये हर किसी के हाथ में होने वाला फोन हरगिज नहीं है फरीद साहब, खास तौर पर वो शख्स जो घर चला रहा हो अपने पैसों से। मैंने अक्सर उसको फोन पर बातें करते हुए देखा है कोने में। देखें, बुराक दैमित का ही आदमी है। मैं इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ, मुझे यकीन है। तुम बताओ। फरीद साहब जाने दे मुझे। पहले तुम्हारा मसला जान लें, फिर जरूरी हुआ तो जाने देंगे। मेरा शक तो बिल्कुल सही निकला, तुम तो वाकई डैमेज के आदमी निकले। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, क्यों रहे थे फिर तुम? फरीद, आसुमान, क्या हो रहा है ये? छोड़ो। ये शख्स डैमेज साहिबा का भेजा हुआ जासूस है। क्या कह रही हो आसुमान, ये कैसे पता चला? मैं किसी का मुखबिर नहीं हूँ और मैं ही किसी के लिए काम कर रहा हूँ। शायद हमें कुछ मिल जाए यहाँ से। आपा, मुझे पूरा यकीन है, डैमेज साहिबा ने भी बिल्कुल ऐसे ही फोन दिया था मुझे तोहफे में। क्या इसमें कुछ काम का लिखा है फरीद? सारे मैसेजेस मिट चुके हैं, एक आखिरी मैसेज है। फरीद साहब और आसुमान कुछ बात कर रहे हैं अभी। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फास्ट है खबरें भेजने में। किसी अब्दुल्ला नामी शख्स को भेजा गया है। तो डैमेज साहिबा का नंबर अब्दुल्ला के नाम से सेव किया हुआ है, तुम तो काफी समझदार निकले। हम बस दोस्त हैं, बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो फिर से अब्दुल्ला को मैसेज करते हैं। मुझे बहुत जरूरी बात पता चली है, अभी बात नहीं कर सकता, मिलना चाहता हूँ आपसे, जल्दी से मिले। बुराक, जितना जल्दी सच बता दो उतना अच्छा है। क्या अब्दुल्ला वाकई डैमेज है? जवाब आ गया। अच्छा, कहाँ मिले? अब मैं अब्दुल्ला को मिलने की जगह बताता हूँ। रास्ते में लिखूंगा बैटरी खत्म हो गई है और फोन बंद कर दूंगा। उस जगह पर कौन आएगा बताओ? अल्लाह अल्लाह। हाकान। हाँ बोलो। बुराक का लास्ट मैसेज मेरे पास आया है कि हमारा मिलना बहुत जरूरी है। अब कॉल कर रही हूँ तो सेल ऑफ जा रहा है, शायद बैटरी एंड हो गई हो। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि अब क्या होगा, जाकर बात करती हूँ उससे। रुको रुको रुको, उन्हें कहीं ये पता न चल गया हो कि बुराक तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन कैसे, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? मेरी जान, इस आदमी बुराक ने कभी जुर्रत की है तुमसे मिलने की? नहीं। यानी क्या इस लड़के की कभी अचानक बैटरी खत्म हुई है? नहीं। इस बच्चे ने कभी तुम्हें मैसेज भी नहीं भेजा, इसलिए तुम रोजाना बात करती हो, है ना? सही बोला ना? हाँ बिल्कुल, तुम सही हो। और ये देखो, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है?
बच्चों को इस तरह के जुमले नहीं लिखने चाहिए, यानी वो बहुत मुख्तसर लिखते हैं। मगर जब इसको देखो ये बहुत नफीस टर्किश में लिखा हुआ है, यानी या तो ये मैसेज फरीद ने भेजा है या नाजली ने। दैमित, तुमने उसको अपने साथी नंबर से किसी किस्म का मैसेज तो नहीं भेजा ना? नहीं आकान, जाहिर है ये मेरा दूसरा फोन है, दूसरी सिम लगाई है इसके अंदर। तारिक, इसको लेके जाओ और कमरे में बंद कर दो, इस पर नजर रखना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो फरीद साहब, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आपा, आप क्या कह रही हैं, वहाँ कैसे जाएंगी? नहीं नाजली, तुम यहीं रुको, मैं जाकर दैमित को उसकी हद याद दिला। नहीं, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, अभी तक जो भी मुसीबतें आई वो सिर्फ आसमान की गलती थी, पर अब अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो औरत और क्या करेगी। उसको रोकने का वक्त आ गया है फरीद। लेकिन आपा, उस औरत का आप क्या कर लेंगी? अभी फैसला नहीं किया है। अच्छा चलो जल्दी करो। बिखिर मेरी बात सुनो, तुम ये पता रखो और इस पते पर 10 से 15 आदमी भेजो। ये फोन भी रखो, जो भी आदमी भेजो उनमें से एक आदमी का नाम अब्दुल्ला रखो। ये फोन उसको दे दो, ये अब्दुल्ला है जिसने बुरात के साथ बात की है, समझ गए? और जो भी वहाँ आए उसको मारना, समझ गए ना तुम? जी भाई, वहाँ आए उसे मारना है, बस ये बताएं किधर मारना है। ऐसा करते हैं, अगर नाजली आए तो उसको थोड़ा आराम से मारना बेचारी, लेकिन अगर फरीद असलान आए तो शेर की तरह मारो उसे। काश बंदा कहे कि मैं मर गया होता। तो क्या उसे जान से नहीं मारना है? नहीं भाई, पागल हो गए हो क्या? हम लोग कातिल हैं क्या? कत्ल करने की क्या जरूरत है? तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हो। उसको मारे बस, अच्छा दिखना चाहिए वो, समझे? चलो ठीक है भाई। उफ, जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आ जाती है हम पर। बेचारी, क्या मेरी जान के लिए सब गलत हो रहा है? आओ थोड़ी देर के लिए बाग में चलते हैं, लड़कियां कॉफी बना देती हैं हमारे लिए, आ जाओ, मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हकार, शर्म करो तुम बेगैरत इंसान, हमने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर काम दिया और तुमने ये किया। मरे क्यों नहीं तुम? हमें तुम्हें मुलाजिम ही नहीं रखना चाहिए था। तू बेगैरत कहीं के, देखो मत हाथ उठ जाएगा मेरा। कुछ तो शर्म करो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। हाँ, क्या इन लोगों को देखा है? मेहनत करके पैसे कमाते हैं, सबने भाई की तरह समझा, उस पर तुमने ये सिला दिया, मुझे क्या देख रहा है? नीचे देख। फतोश, मुबारक को तारिक, बहुत अच्छे से डांटा है तुमने। शुक्रिया, तुमने भी। हाँ। क्या कुछ कहूँ मैं, हम सिर्फ इसे एक दो दिन से जानते हैं, हमने मुबाइगा आराई तो नहीं की ना? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हमको ज्यादा ही पुरजोश हो गए थे। हाँ। क्या हो रहा है तारिक, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी उलझन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या मुसीबतें आन पड़ी हैं जिंदगी पर? मुजरिम को अकेला नहीं छोड़ते, आ जाओ। ये तुमने क्या किया? हाँ, तो मुजरिम के सामने फतोश क्यों हंस रही हो? हाँ, मैं क्या करूं, मेरे बचपन से ख्वाब था कि किसी को ना मैं बड़ी ही जबरदस्त तरीके से डांटूं और आज वो ख्वाब पूरा हो गया। वो डर गया था ना? वो डरा नहीं है ना, मेरे ख्याल से इतना काफी नहीं होगा, कुछ और भी करना पड़ेगा इसके साथ, आखिरकार वो हकान का आदमी है, बहुत ही बेगैरत है। जानता हूँ। नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारे अंदर बुरे शख्स वाली तवानाई नहीं, वो कहते हैं किसी बेवकूफ को ही तुमसे प्यार होगा। वाकई में? क्या, बिल्कुल भी नहीं समझे, तुम बहुत ही ज्यादा पुरकशिश लगते हो जब ऐसे काला लिबास पहनते हो, तो समझ मेरी बात को। वाकई? समझ गए ना, मौसी के लगाओ। चलो आओ। अच्छा भाई, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या फरीद यहाँ पर आएगा या नाजली यहाँ पर आएगी? अगर ये दोनों भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा। Thank you.
सरप्राइज, किसी का इंतजार कर रहे थे आप लोग? किसका इंतजार कर रहे थे? बोलो, हाथ ऊपर, गन नीचे करो। मैंने कहा हाथ ऊपर करो, गन फेंको, फेंको गन। होशियारी नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी। इन सब के हाथ बांध दो, गिरफ्तार करो इनको, सबको गिरफ्तार करो। इनको भी गिरफ्तार करो। खुदाया, देखो इधर जरा, मेरी जान, लोगों ने यूएसबी से चलने वाला टोस्टर बनाया है। वाह, क्या बात है। ओफ हकान, ओफ, क्या जरूरत थी इसकी अब? हाँ, अरे मेरी जान, इतनी नफरत क्यों कर रही हो टेक्नोलॉजी से? बहुत खूब, ये बहुत अच्छी चीज है मेज पर काम करने वालों के लिए। मैं ये नहीं कह रही हकान, मैं मारने वाली बात कर रही हूँ तुमसे। दैमित, जब मौका अच्छा हो तब हमला करते हैं। बच्चे फरीद का ख्याल रखेंगे, थोड़ा और जाने देंगे। सोचो कि तुम्हारा अकलमंद हस्बैंड मौके का फायदा उठा रहा है। कुछ नहीं है यहाँ। तुम क्यों घबरा रही हो? क्यों घबराई हुई हूँ मैं? मैं कैसे ना घबराऊँ हकान? अब उन्हें हमारे आदमी का पता चल चुका है, मैं क्यों ना घबराऊँ फिर? दैमित मेरी जान, देखो, बुराक नामी लड़के के होंठ छिले हुए हैं। उन्होंने फोन किया और सिर्फ मिलने के लिए कहा, कुछ नहीं होगा। हकान, मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोग फरीद का कत्ल तो नहीं कर देंगे? खातून, क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? इसलिए कहा, ऐसा ना हो किसी और मुसीबत में पड़ जाए। अमित, हम पहले ही मुसीबत में हैं। मैं सुकून के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? यहाँ पर बैठ जाओ। कैसे हैं आप लोग? माफ करना, लगता है हम लोग गलत वक्त पर आ गए। देखो, लगता है हमने इन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया आके। ऐसा ही है क्या जारेमन? नासली, फरीद, खड़े क्यों हो? बैठो। आसलान घराने ने शर्फ दिया हमें शादी के बाद पहली बार यहाँ आने के लिए। ये करम क्यों हुआ हम पर? हम आने से पहले बताना चाहते थे, मगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से इनको परवाह नहीं है। तुम्हारे किसी जासूस का है ये? लगता है ये फोन फ्री में आता है, जब ही सबको बांटती फिर रही हो। मैं समझा नहीं। जितना ना समझी का दिखावा करना है कर लो, बस हमारी जान छोड़ दो। आसुमान बेवकूफ थी, तुमने चंद पैसों के लिए उसे बेवकूफ बना दिया। लेकिन यकीन करो, अब आसुमान तुमसे बहुत ज्यादा होशियार है। उसने जल्दी समझ लिया, वो अकलमंद हो गई है, उसने ही हमें बताया। नाजली, तुम हमें आयात के दर्श दे रही हो, मगर हम पहले इस निसाब से गुजर कर माहिर बन चुके हैं। तुम हमें क्या पढ़ाओगे? यानी हमने बदकिस्मती के झोंके खाए नाजली। जाहिर है, हर किसी की जिंदगी उसके लिए होती है हकान। हर किसी को इबरत हासिल करनी चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। बेहतर तो यही है कि ये खेल बंद कर दो। लेकिन तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे, इसलिए जाने दो। आज तुम्हारा वो जासूस लड़का पकड़ा गया है और कल ये ट्रक का मामला तुम्हारे हलक में अटक जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? हो, फरीद असलान की ख्याली दुनिया से इफ्तिताह सिनेमा घरों में जल्द आएगा। चलो नाजली, हमें चलना चाहिए। शर्म करो, क्या तुम लोग आग लगाने आए थे? रुक जाओ, बलूत आ रहा है, उससे भी मिलते हुए जाना। इसकी जरूरत नहीं, बलूत कल वैसे भी मेरे साथ होगा और जल्द ही वो हमारे साथ रहेगा। तुम्हारे आदमी थाने में है, फिर मिलेंगे। तारिक, हाँ,
एक बॉक्स नहीं खुल रहा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? अरे कोई मसला नहीं है, जब तुम बटन दबाओगी तो खुल जाएगा। मैंने बहुत जोर आजमाई की लेकिन नहीं खुला, शायद फंस गया है, तुम आकर देखो ना। लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, देखो ये फंस जाएगा अगर मैं कहीं गया। लेकिन कस्टमर्स ने अदायगी करनी है, हमें जाना होगा। अदायगी? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। अच्छा रुको, देखो इन चाबियों से दरवाजा लॉक कर देंगे। हाँ, ताला लगा दें। ठीक है ना बुराक, कुछ नहीं होगा ना। ठीक है फिर अभी चलते हैं और जल्दी वापस आते हैं। बल्कि आप छोड़े, मैं खुद आऊंगा मैं, समझ गई? ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं भी जा रहा हूं, यहां से उठने की जरूरत मत करना, देखो बुरा होगा बहुत, हिलना नहीं। चलो ना तारिक जल्दी। ठीक है मैं आ रहा हूं मियां, बुरा होगा बहुत, याद रखना। आ भी जाओ। आफरीन है तुम पर, बहुत अच्छा किया। तुम हवा में उड़ गई हो। जो एक्टिंग की तुमने, अगर मैं वादा कर लूं तो जरूर निभाती हूँ। खुशी हुई। खैर मैं तुम्हें रेस्टोरेंट पर उतारता हूँ, मुझे कुछ काम है, बाद में ले जाऊंगा तुम्हें। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शाम को हम नुमाइश पर जा रहे हैं। नहीं फरीद, आज नहीं जा सकती, रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा काम है, हम फिर कभी चलेंगे। लेकिन मेरी बीवी होने की वजह से मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। असल में हमारी शादी अभी हुई है, बिल्कुल नहीं अवेली। फर्क नहीं पड़ता कोई बात, इस हकीकत को वैसे भी नहीं बदल सकती। क्या तुमने पूछा कि ये लड़की फ्री है या नहीं, इसको कोई काम होगा या नहीं? तुम्हें पता है कोई रेस्टोरेंट चलाना आसान काम नहीं है, और ये लड़की कैसे तैयार होगी, कब तैयार होगी, कुछ भी नहीं सोचा तुमने। कुछ तो ख्याल होना चाहिए तुम्हें। अपना मील एंजॉय कीजिए। तुम्हारा शुक्रिया तारिक, बहुत अच्छा काम किया। अरे इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ तुम बटन दबाओगी और खुल जाएगी। बटन दबाऊंगी खुल जाएगी? बिल्कुल, मैं अपने हाथ धो लूं जरा। फतोश, उसे देख क्यों रही हो यहाँ से, जाओ ना। जाती तो हूँ मगर क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या मतलब? यार मुझे ना एंगिन के साथ कुछ ऐसा करना है जिससे वो मुझे खुद ही छोड़ दे, इससे उसे अफसोस भी नहीं होगा। हम एक दूसरे के लिए नहीं है मनामी, कसम से अगर मैंने एंगिन से शादी की ना तो हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, समझो मेरी बात। अगर ऐसी बात ही तो बता देती ना। यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे कहूँ मैं उससे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ दे, समझी, ताकि ये रिश्ता खत्म हो जाए जड़ से। एक दिलचस्प दावा, लेकिन कैसे होगा ये। चलो मैं जाती हूँ उसके पास। अरे फतोश तुम कहाँ थी यार, बहुत मसरूफ थी क्या? हाँ हम बहुत मसरूफ हैं एंगिन, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। किसको मैसेज भेज रहे हो तुम? मिसेस इकबाल को और किसे? मिस इकबाल, हाँ मैंने मान लिया। मेरी जान मैं मिसेस इकबाल को ही मैसेज कर रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो देख सकती हो तुम। नहीं नहीं मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने आज बालों पर अपनी जेल लगाया है? फतोश मैं हमेशा ही बालों में कुछ ना कुछ लगाता हूँ यार। नहीं मेरा मतलब है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आए हो, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम किसी से मिलने वाले हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बातें कर रही हो यार। चलो अब मौजू बदलने की कोशिश मत करो। देख लो अब मिसेस इकबाल कॉल करेंगे, चाहो तो बात कर लो खुद। अरे नहीं नहीं मैं क्यों करूँ, तुम खुद रिसीव करो, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं चलती हूँ। जी कहिए मिसेस इकबाल। नहीं मनामी मैं तो नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है यार, मैं जब उसके पास जाती हूँ बोला ही नहीं जाता कुछ भी। यार मेरा मिजाज ऐसा नहीं है कि मैं ये सब हरकतें करूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे ये। उफ। मनामी एक काम बुरा हो गया,
ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है। कैसे, क्या हुआ तारिक, क्या मसला है? अरे बुराक भाग गया। क्या? हाँ, ऊपर गया तो देखा। मैंने तुमसे कहा था वहाँ बहुत अच्छा सामान मिल रहा है। ठीक है नाजली, तुमने सारा रास्ता बताया है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। नाजली, एक मसला हो गया। क्या हुआ मनामी? बुराक भाग गया। वो चला गया। फरीद साहब, मेरी गलती है, मैं ही सबका जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा तुम यहाँ से उठोगे नहीं, मैं एक लम्हे के लिए यहाँ आया, वो खिड़की से भाग गया, फिर क्या करता? नहीं नहीं तारिक, देखो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारी मेरी गलती है, मैंने बुलाया था, एक काम था। अब क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम वैसे भी ये साबित नहीं कर सकते कि उसने खाना खराब किया और डैमेज के लिए जासूसी की, लेकिन हाँ बात यह है कि हमें मालूम है ये सब कुछ। सही। क्या हुआ है? कुछ नहीं, इंगिन साहब बुराक भाग गया। लेकिन अब से किसी को रखते हुए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मुझे बताना और मैं तहकीक करूंगा। ऐसे किसी को काम पे मत रखना, जिसको भी रखो वो काबिल एतमाद शख्स हो। हम संभाल लेंगे, हमारा काम है ये, है ना मनामी? बिल्कुल बिल्कुल, हम संभाल लेंगे, यानी जो कस्टमर मशकूक लगेगा हम उसकी भी एंट्री बंद कर देंगे रेस्टोरेंट पे। बिल्कुल, ये भी करना चाहिए, मुझे जाना है, कुछ काम देखने हैं, चलो मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर। वाकई अभी हमारे एम्प्लॉइज भी खुद सेलेक्ट करेगा, सारे एम्प्लॉइज ये खुद रखेगा, अब हमारे पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है करने को। यार कितने अच्छे हैं ना ये तारिक। देखो ये लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि लड़ते लड़ते थकते ही नहीं। रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए। इस औरत की हिम्मत तो देखो, हमारे दरमियान जासूस लेकर आ गई, मगर मेरी अकलमंदी काम आ गई जो मैंने उसे फौरन पहचान लिया। हाँ सुमन बिल्कुल, क्योंकि ऐसे जासूसी के काम ना तुम बहुत बाखूबी अंजाम देती हो। तंज करने का कोई मौका हाथ से मत जाने देना तुम, मेरा इन कामों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उस औरत ने मुझे 2 महीने पहले अगवा करवाया था और मैं बहुत डर गई थी उसके बाद। सुमन जरा रुको, क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं कहा मैंने। आसुमान मुझे बताओ किसने अगवा किया था तुम्हें, क्या कह रही हो ये तुम? मैं कह रही हूँ ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं, खत्म हो गई बात। वाकई आसुमान अगवा कर लिया किसी ने और हमें पता भी नहीं? आसुमान मैं कह रही हूँ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं, चलो अब बताओ जल्दी। वो उस दिन मैं स्कूल जा रही थी तो 2 आदमियों ने मेरा रास्ता रोका और जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा लिया और वहाँ से मुझे दहमत के घर ले गए। क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इन चीजों से दूर क्यों नहीं रहती? समझ क्यों नहीं रही आप? वो मुझे जबरदस्ती लेकर गए। वो मुझे जबरदस्ती क्यों नहीं ले गए, इसको जबरदस्ती क्यों नहीं ले गए? उस औरत का क्या लेना देना है तुमसे, किस मसले में उलझ गई हो तुम? क्योंकि मैंने उसको फाइल रखने के लिए कहा था, हमारे बीच सौदा हुआ था और उसी की वजह से फरीद साहब को सब कुछ पता चल गया था। हमारे बीच जो सौदा हुआ था उसने तोड़ दिया। क्या हुआ है बताओ, दहमत का क्या रास्ता? मेरी बात सुनो, उसे सबसे छुपकर अबॉर्शन करवाया था। हाँ। इस बात का हर सबूत मैंने लिफाफे में डालकर हकान साहब को भेज दिया, फिर जाहिर है सारा मामला खराब हो गया, जो कि होना ही था, लेकिन अच्छा हुआ जो भी हुआ उसके साथ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर, अब भी इन इंसानों के साथ ऐसे मामलात में तुम अकलमंद क्यों नहीं हो रही हो? मैंने तुमसे कहा दूर रहो, कितनी बार समझाया तुम्हें, फिर भी वही करती हो। अच्छा अब ठीक है, आप इतना परेशान क्यों? आसुमान मुझे ये बताओ तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? हमारी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हुई है, सिर्फ थोड़ी सी। तुम्हें नए मसले खड़े करने का क्या शौक होता है? कितनी जल्दी भूल गई जो हुआ हमारे साथ, कब अकलमंद बनोगी तुम आसुमान? मुझे लगता है कि इस वक्त बात करना बिल्कुल बेकार है, आपसे मैं बाद में बात कर लूंगी जब आप सुकून में होंगी। तुम कहीं नहीं जा रही, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आओ मेरी जान, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? देखो कौन आया है यहाँ, देखो जरा। जानेमन, बुराक के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये तुम्हारे बारे में बता देगा? क्योंकि बुराक बिल्कुल नहीं बोलेगा, है ना बुराक? बिकर भाई, अब तुम हमारे भाई बुराक को ले जाकर हमारे हीरे को इकलौते इजमीर छोड़ाओ, इसके घर ले जाओ, इसका मनपसंद काम ढूंढ लो, चाहे तो खेती बाड़ी कर ले, क्यों? ठीक है अकान साहब। शुक्रिया अकान साहब। बड़ा मसला नहीं, दोबारा देखूं ना तुम्हें मैं, जाओ यहाँ से।
चलो चलो जाओ। चलो आ जाओ मेरी जान। मेरी जान, अब क्योंकि यह मसला हल हो चुका है तो डेनिस की दावत के लिए देर नहीं करते, है ना? हाँ कान, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना प्लीज। शर्म करो, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? कैसा नुकसान? मैं आदमी को इजमीर भेज रहा हूँ, अच्छी जिंदगी की पेशकश कर रहा हूँ, पता सिर्फ मेरे पास हो, किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन डैमिट बीबी, मैं आखिरी दफा समझा रहा हूँ आपको, अगर आपने आइंदा कुछ ऐसा किया और मुझे ना बताया, मैं उस बच्चे को इजमीर से इस्तांबुल लाऊंगा और बर्फ खाने से मुतालिक सब कुछ बता दूंगा। ऐसा मत करना प्लीज। डरो मत, मजाक कर रहा था मेरी जान। क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भी नहीं करोगी कभी मेरे साथ ऐसा। अब तैयार हो जाओ, देर नहीं करनी चाहिए। तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि अब इनके साथ नहीं उलझोगी। मैंने यकीन किया था तुम पे, मैंने एतमाद किया। मैं तुम्हारा क्या करूं आखिर, तुम्हारे साथ कैसे निपटूं? आपा, मैं ये सारा मामला खत्म कर चुकी हूँ। क्या बदलेगा? मैंने तुम पर यकीन किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और कितनी बार करोगी मेरे साथ ऐसा? कैसे समझाऊं तुम्हें आखिर, तुम्हें मेरा ख्याल क्यों नहीं आता? देखो आसुमन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पहली दफा नहीं हो रहा। तुम क्यों सबकी जिंदगी पे अजाब बन के तुली हुई हो? ये बात बहुत अच्छी है कि तुम दोनों को एक साथ मौका मिल गया है मुझ पर बरसने के लिए। देखो, तुम नहीं समझ रही है ना, इस लड़ाई की वाहिद वजह ये है कि हम तुम्हारे ख्याल करते हैं। हाँ, सब कुछ तुम्हारे भले के लिए होता है, ताकि तुम समझ जाओ कि ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं। तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। और क्या करें तुम्हारे साथ? आपा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप उस बारे में बात करी है जो अब खत्म हो चुकी है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम बहुत ढीठ हो आसुमान। तुम ऐसी इंसान कब बन गई? जाओ, मैं वाकई तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। चली जाओ, जाओ, फोन छोड़ के जाओ अपना। और वो किस लिए आपा? कुछ नहीं बचा तुम्हें कहने को, ढीठ हो गई हो तुम आसुमान, कुछ भी नहीं सोचती हो। जरा घर जाओ और खुद को देखो, कैसी इंसान बन चुकी हो तुम। अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। अगर आप मुझे इस बात पर सजा दे रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी होगी। मैंने बुराक को पकड़वाया, तो आप मेरे साथ इस तरह का सुलूक कैसे कर सकती है, बताएं? अच्छा अच्छा, बस आसुमन बस कर दो, ठीक है? क्या बस करूं मैं, बताओ मुझे। हाँ, तुम दोनों मेरे ऊपर चीखने के अलावा और कुछ नहीं कर रही हो। हकीकत तो ये है कि तुम लोगों के लिए जितनी भी कुर्बानी दे दो, उसका कोई फायदा नहीं। और जब वक्त आएगा तो फिर मैं यहाँ नहीं होंगी। बुरे लोगों के साथ अच्छाई कर रही थी मैं, उसे लगता है ये सब सही है। अच्छा ठीक है ना नाजली, मैं शाम को बात करूंगी उससे। सोचे बगैर काम करती है यार। तुम तो शाम को दावत पर जा रही थी ना, जाओ अगर चाहो तो चली जाओ घर और जाकर आराम करो। तुम्हें लगता है मैं जाने की कंडीशन में हूँ फतोश? क्यों नहीं जाऊंगी? बोलो नाजली। हेलो फरीद, घर पे बिस्तर पे कपड़े पड़े हुए हैं, क्या करना है? मिसेस इकबाल लाई हैं तुम्हारे लिए, दावत पर जाने के लिए, जो चाहो पसंद कर लो तुम। मैं अपनी चॉइस पे यकीन नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगा तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैंने मिसेस इकबाल को कहा और वो ले आई। तुमने नहीं देखे? मिसेस इकबाल ने देखे, ऐसे कैसे? उन्होंने तस्वीरें भेजी थी, मेरी इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं खरीदती। कोई मसला है क्या? कपड़े पसंद नहीं आए तुम्हें? आए हैं, बहुत पसंद आए हैं, अच्छे हैं, हद तक कि इतने अच्छे हैं लग ही नहीं रहा कि मैं पहन सकती हूँ। नाजली मैं रास्ते में हूँ, अभी घर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, कहीं देर ना हो जाए। मुझे कुछ बताना है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं आ सकती।
नाजली क्या कह रही हो? हमें इस दावत में मियाँ बीबी के तौर पर जाना है। मैं बहुत थक गई हूँ फरीद, बहुत मुश्किल दिन था और इन कपड़ों को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। नाजली हमें एक साथ जाना चाहिए दावत पर। मेरा नहीं ख्याल कि मसला होगा अगर बहाना बना दो। फिर मिलते हैं। जफर हम घर नहीं जा रहे, वापस चलो। नुमाइश बहुत खूबसूरत है ना? हाँ मेरी जान, बहुत खूबसूरत नक्काशी है। आओ दूसरी तरफ देखते हैं। एक चीज ने तवज्जो हासिल की तुम्हारी, फरीद असलान और उसकी खूबसूरत बीवी अभी तक नहीं आई, हैरत की बात है। फरीद और नाजली पहली मर्तबा दावत में आएंगे अपनी शादी के बाद। नाजली को कोई तजर्बा नहीं है इन कामों का, जाहिर है देर तो होगी। फिर उसको देखो, बहुत अच्छा लग रहा है वो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप यहाँ पर आठ मुख्तलिफ फनकारों के बेहतरीन फन पारे देख सकते हैं। उम्मीद है कि लोग देखकर खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। देखो ये कितना क्यूट बच्चा है। हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है। काश कि आज अपने दोस्तों को भी बुला लेते तुम, अच्छा होता। वो उस दोस्त का क्या नाम था तुम्हारी? दिलारा था ना? हाँ दिलारा, दिलारा। दिलारा भी लंदन में है, हम मीटिंग रख लेंगे, हम मिल लेंगे आपस में, ठीक है? तुम्हें ऐसी कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है एंगिन। क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। सब के सब मुझे अजीब ही मखलूक लगे, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आया। तुमने ये राय क्यों कायम की फतोश, क्या मैं जान सकता हूँ? यानी उनकी एनर्जी वेनर्जी बिल्कुल भी मुझसे मैच नहीं करती, बेजार से लोग लगते हैं। यानी बाद में बात करते हैं, एक मिनट। हेलो एंगिन, खुश आमदीद फरीद। शुक्रिया। वाओ, कॉबॉय फरीद असलान आ गए। दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ। मैं जरा डेनिस से मिल लूं। हेलो डेनिस। फरीद, खुश आमदीद। शुक्रिया, कैसे हो? ठीक। नाजली नहीं आई? हाँ नाजली नहीं आई, वो बीमार थी थोड़ी, ठंड लग गई है शायद। ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये खूबसूरत है। तुमने उससे बहस तो नहीं की? हमने कोई बहस नहीं की डेनिस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम घबराए हुए हो, इसकी क्या वजह है? ये ठीक है मगर तुमने जल्दबाजी में शादी की है, हो सकता है कुछ ऐसे मसले हों जो हल नहीं हो सकते अब। डेनिस, हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं ऐसा, मगर नहीं। हाँ पता है मैं अभी क्या सोचता हूं। क्या? मेरा मतलब तुम्हारे और नाजली के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ, तैश में हुआ, समझ रहे हो ना? तुम्हें नहीं लगता ये शादी जल्दबाजी में हुई है? जब मैंने पहली दफा सुना तो मैं हैरान हो गया, मैं समझ नहीं पाया, मगर अब सोचता हूं इस बारे में। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं फरीद, और तुम फरीद आसानी से माफ नहीं करते हो किसी को भी, तुम्हें जिस पर गुस्सा आ जाए। डेनिस, नाजली और मेरे दरमियान खास ताल्लुक है, तुम नहीं समझ पाओगे ये। सलीम साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, नक्काशी बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया। खुश आमदीद। ये तो डेनिस साहब की कामयाबी है। हेलो ज़ैनब, कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल?
हाँ यार मत पूछो, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं, बस परेशान हूँ थोड़ा। रोड पर घूम रही हूँ, आपस से लड़ाई हो गई है और अब घर भी नहीं जा सकती। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे घर पर कुछ दिन रुक सकती हूँ? अच्छा तो तुम भी जा रही हो, समझ गई। तो क्या अभी तुम घर पर हो? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलाक आराम से। एक चिकन बर्गर लिया। कुछ पीने के लिए लिया हूँ क्या? नहीं नहीं शुक्रिया। हाँ दिदोश, कैसी हो तुम मेरी दोस्त? शुक्रिया। आई मेरा मत पूछो तो बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। बहुत अच्छे मयार का काम है, अच्छा है कि हमारी कंपनी का नाम शामिल है। खैर मुबारक हो, बहुत अच्छी शुरुआत की है। बहुत शुक्रिया। ये गोया कि एक तहशुदा सरमाया था, मैंने बस तकरीब को थोड़ा सा बढ़ा दिया। आफरीन अनिस, ये नुमाइश शानदार है, मजा आ गया भाई। पौसुला होल्डिंग का होना एक अलग शराकत है, एक कदम यानी। फरीद असलान शर्म करो, सबसे मुकालमा किया मगर हमें सलाम तक नहीं दिया, मैं नाराज हूं। फरीद नाज़ली नजर नहीं आ रही, क्या हुआ, कोई मसला हुआ? हाँ तुम लोग नए नवेले शादीशुदा जोड़ा हो, ऐसी रात को एक साथ आना ज्यादा मुनासिब नहीं है तुम लोगों के लिए। क्या नाज़ली को कुछ हुआ है? क्यों नहीं आई हो? नाज़ली आ गई मेरी चार। के लिए माजरा चाहती हूँ। कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा शुक्रिया। नहीं ये तो बिल्कुल काम नहीं आएगी इस वक्त, और ये तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं, और ये मुझे पसंद नहीं करती थी कभी, और इसके बाबा तो वैसे ही एबनॉर्मल है, कहीं मुझे ही न जान से मार दे। चलो ये भी ठीक है, अब तो बेघर हो गई वासुमान। हम आगे जाके तस्वीरों को देखते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी। माइंड चेंज हो गया मेरा। मुझे अकेले ना छोड़ने का शुक्रिया। मैं यहाँ तुम्हारे सौदे की वजह से आई हूँ बस। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों आई हो, तुम आई और मेरे साथ हो। हर कोई हमें खुश शादीशुदा जोड़ा समझ रहा है, ये काफी है। हाँ हंसते रहो, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ये ड्रेस तुम्हारी पसंद है? हाँ, तो मैं ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे तुम्हारी चॉइस पसंद नहीं आई। तुम्हें अच्छे नहीं लगे? बुरा नहीं है। बुरे नहीं है। तुम्हें थोड़ा स्टाइल पर काम करने की जरूरत है। मैं कुछ पीने को लाता हूँ। पता नहीं क्या समझता है। माफ कीजिएगा।
हम तुम्हें रात का सितारा पुकार सकते हैं? नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि शायद सबसे थकी हुई और परेशान लड़की है। परेशान हो तुम? कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ नाज़ली? तुम चमक रही हो नाज़ली, शानदार दिख रही हो तुम। तुम्हारा शुक्रिया। डेनिस, ये ब्रेसलेट मेरी है ना? हाँ, और मैं पकड़ा गया। हाँ तुम्हारी है। तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने उतारी थी और जब मुझे मिली तो मैंने जेब में रख ली। बहुत अच्छी है, मुझे वापस कर दो। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे पास रहे यादगार के तौर पे। डेनिस, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे दोस्त हो। सिर्फ एक यादगार? यादें तकलीफ नहीं पहुंचाती। स्वीटहार्ट, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। उन्हें ये कहा कि तुम नहीं आओगे, मगर मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। हाँ, रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा रश था, लेकिन स्टाफ सब देख रहा था तो मैं आ गई। तुम्हें ठंड भी लग गई थी? हाँ, लेकिन अब काफी बेहतर है मेरी तबीयत, खुशकिस्मती से। ठीक हो जाओगी। बहुत शुक्रिया। भाई ये चीजें आम हैं, तुम्हें इन पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अब सर्दियां हैं, तुम्हें गाड़ी की सर्विस करवानी होगी, सर्दियों वाली। तुम गाड़ी का ध्यान रखोगे और गाड़ी तुम्हारा है ना? फतोश, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, नहीं तारे। क्या हुआ, कुछ मसला है आपके साथ? नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही। पता है मैं एंगेन से अलहदा होने गई थी। हाँ? जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने फौरन हाँ कर दी थी ना, याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे याद तो है, कुछ ऐसा हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के ही नहीं बने हैं, हमें अलहदा होना ही होगा तारिक। लेकिन वो तो चले गए थे। वापस आ गए। समझ गया। नहीं मेरा मतलब कि उसे किसी ना किसी ने तो बताना होगा ना। तो बता दो फतोश। मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम कहोगी ये मामला इतने आसान नहीं है, इसलिए मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता, और तुम भी कोशिश नहीं करती हो। यार मैं बहुत कुछ करती हूँ उसको दूर करने के लिए, लेकिन कुछ असर ही नहीं होता उस पर। समझ नहीं आती क्या करूँ, मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती यार। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारी बात, मुश्किल है ये, लेकिन अब तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा फतोश, समझी? क्या करूँ मैं? तुम्हें क्या कहना है, तुम क्या कह सकती हो उसे, लिख कर बता दो ये सब। मैसेज की तरह? नहीं, मैसेज से तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। याद नहीं है वो पुराने तरीके जैसे खत लिखा जाता था? उससे भी काम ना बने तो ईमेल कर देना, बल्कि खत ही ठीक है, डाकिये के हाथ भिजवा दो। तो क्या मैं खत लिखकर भिजवा दूँ उसे? हाँ बेहतर है ये। मुझे पता नहीं तारिक कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे उसे कुछ बताना होगा। मौसम भी कितना ठंडा हो रहा है यार, जम रही हूँ मैं। खैर मैं अंदर जा रही हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह, ये कैसे इम्तिहान में डाल दिया है मुझे, समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। शायद डेनिस को शक है कोई। हाँ शायद उसे लगता है कि हमारा झगड़ा हुआ है, या इससे भी बदतर कुछ, उसे लगता है कि हमारी शादी असली नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं, लेकिन बेहतर होता अगर तुम रेस्टोरेंट के हजूम का नहीं बोलती। उसे कैसे पता कि मुझे ठंड लगी थी? अगर मुझे पता होता तो मैं दिखावा कर लेती। नाज़ली, ये हसास मौसू है, बुलंद का सवाल है, हमें ज्यादा ख्याल रखना होगा, कोई कमी नहीं छोड़नी, छोटी सी गलती भी सब बर्बाद कर सकती है, फिर हम बुलंद को हासिल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से असल मसला जज्बात है। कौन से जज्बात? तुम मुझे ऐसे नहीं देखते जैसे मुझसे प्यार करते हो। ये आम बात नहीं है, मैं अभी भी गुस्सा हूँ, तुम्हें माफ नहीं किया मैंने। यही कह रही हूँ मैं, असल में कभी कभी देखते हो वैसे, ऐसे देखते हो कि मुझे यकीन आ जाए तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कभी कभी नफरत की निगाह से देखते हो तुम मुझे। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी मेरे ज्यादा करीब हो सकती हो, कभी कभी हम अजनबियों जैसे होते हैं। माफ करना, लेकिन ये मेरी जान जाने मन मुझसे नहीं बोला जाता। नाज़ली, ये एक सौदा है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो इस डील को दिखाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। जरूरत पड़ी तो चूम भी लेंगे। कभी नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो तुम?
मुझे देखो फरीद, मुझे ये हरकतें पब्लिक में बिल्कुल पसंद नहीं है। कसम से मसला खड़ा कर दूंगी मैं। तुम्हारी बीवी होना कितना मुश्किल काम है। क्यों? क्या मतलब, हम इन दावतों पर वक्त जाया करना होगा वगैरह वगैरह। अरे आराम से, क्या हुआ? आह, मोच आ गई। ठीक तो ना तुम? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ फरीद, ये क्या कर रहे हो? कमरे में ले जा रहा हूँ। है लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। मुझे हील्स पहनने की बिल्कुल आदत नहीं, इसलिए शायद मेरा उससे पैर टकरा गया। बर्फ ले आऊं क्या? नहीं। पक्की बात है? जरूरत नहीं, अभी सही हो जाएगा। मैं फिर अपने कमरे में जा रहा हूं, चूंकि कोई घर पे नहीं है तो हमें साथ सोने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। आसुमान, तुम यहां क्या कर रही हो? ठीक तो हो तुम? डेनिस, क्या मैं आज रात यहां रुक सकती हूँ? क्योंकि आपा से लड़ाई हो गई है मेरी, घर नहीं जा सकती क्योंकि दोनों से ही लड़ाई हो गई है। जिन दोस्तों को कॉल की वो किसी वजह से मसरूफ है मुल्क। नाजली को पता है ये सब? नहीं, तुम बताओगे तो पता चल जाएगा। मैं जानती हूँ डेनिस, तुम मुझसे खफा हो, लेकिन शायद ये एक मौका आया है दोस्ती करने का। हम दोनों के बीच एक चीज बहुत कॉमन है, एक ही बंदे से नाराज है हम दोनों। आ ही गई हो तो रुक जाओ। लेकिन हम नाजली को बताएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ा सा फैला हुआ है। थोड़ा सा? मुझे लगता था कमरा गंदा करना सिर्फ मुझे ही आता है, लेकिन इस चीज में तुम मुझसे जीत गए हो। मैं आजकल थोड़ा उलझा हुआ हूँ, मेरे घर की हालत देखकर भी नजर आएगी वो बात। शायद मैं ही तुम्हारी मदद कर दूँ कुछ, ताकि कुछ दुख कम हो जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा हूँ, परेशान मत हो। देखते हैं अब क्या होता है।
क्या होगा? तुम यहां जगह बना लो, मैं कंबल लेकर आता हूं, देर हो गई है। नाजली, मैं कंपनी जा रहा हूं, रेस्टोरेंट उतार दूं तुम्हें क्या? नाजली, तुम सो रही हो, मैं अंदर आ रहा हूं। नाजली, हेलो नाजली, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट में हूँ। रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो तुम? खुदा का वास्ता है, क्या मतलब क्या कर रही हूँ? यहाँ मैं काम करती हूँ, यहीं आऊंगी, और कहाँ जाना है मैंने? और वैसे भी कल रात बताया था तुम्हें कि मैं सुबह जल्दी रेस्टोरेंट आ जाऊंगी, बहुत काम है मुझे। अच्छा, परेशानी की कोई बात नहीं, बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, बाय। क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है कि तुम इतनी जल्दी रेस्टोरेंट क्यों चली गई? लेकिन ऐसा क्यों? आजकल बहुत फिक्र कर रहा है मेरी, मुझे सुबह ना देखकर परेशान हो गया होगा। फतोश, कभी ऐसे मत देखना मुझे, मुझे बहुत चिढ़ाती है। आसुमान का बताओ, मुझे बात हुई क्या उससे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, वो घर पर ही नहीं है। कैसे घर पे नहीं थी? फतोश, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं मुझे नाजली, सुबह उसने तुमसे डांट खाई, फिर अभी उसको मुझसे डांट खानी थी, उसे पता था, इसी वजह से वो घर से गायब हो गई। बस और क्या, गांसी के पास गई होगी, इतना मसला क्यों बना रही हो तुम? हमारी लड़ाई हुई है और मैं परेशान हूँ, बहने हैं हम, उससे लगता है कि गामजे के पास जाने से वो बच जाएगी, लेकिन नहीं है ऐसा। जवाब नहीं दे रही। क्यों आएगा, जाहिर है कि नहीं आएगा। मुझे पता है कैसे रसाई हासिल करनी है। हेलो, हाँ गामजे, आसमान से बात करवाओ जरा। क्या मतलब? तो अब वो कहाँ है? अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात, हमारी लड़ाई हुई है और वो मुझे फोन नहीं कर रही, तुम्हें बताए तो मुझे फौरन बताना। अच्छा, शुक्रिया। गामजे के पास जाना चाहती थी, लेकिन एज यूजुअल वो बहुत बिजी थी। वो वाकई मुझे डराने के लिए कर रही है ये, इसे कॉल करूं, मेरा फोन तो उठा नहीं रही। चलो ठीक है। करती रहे फोन आपा, मैं नहीं उठाने वाली। मुझसे बिला वजह झगड़ा किया, मैं क्यों उठाऊं फोन इनका? या अल्लाह, इस लड़के ने कब कहां रखे हैं? आफरीन है इस लड़के पर, जब भी इसको कॉफी पीनी होती है हमेशा धुला हुआ कप निकालता है, अजीब है। पापा के घर पर भी काम करना पड़ता था, यहाँ पर भी काम करना पड़ रहा है, सुकून तो कहीं नहीं है, मुझे जिंदगी ही अजाब हो गई है। तुम क्या कर रही हो वहाँ पर? गुड मॉर्निंग, कॉफी बना रही थी। कॉफी निकालने के लिए कप चाहिए था, लेकिन सारे कप गंदे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि धोके रख देती हूँ। अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन कॉफी बहुत मजेदार है, क्या तुम पीना चाहोगे? नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगा और उसके बाद फिर कॉफी पीऊंगा। ओ अच्छा, तो ठीक है फिर। तो क्या खाओगे तुम? अरे नहीं नहीं भाई, मैं अपना बना लूंगा, अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ मैं। अगर तुम्हारे सही से उठने का इंतजार किया तो इस तरह तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। आपा की तरह मुझे अच्छे अच्छे खाने तो बनाने नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता ही है। अच्छा तो अब मैं तुम्हारा फ्रिज चेक कर लेती हूँ, इसमें कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लूंगी, ठीक है? लेकिन
लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सफाई करने की जरूरत है। मसला नहीं है, कर लूंगी मैं। हेलो सर। फतोश, आराम से भाई, आराम से। एंगिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात सही से खुदाफिस कहे बगैर ही तुम टैक्सी में बैठ के चली गई। अच्छा, ऐसा किया क्या मैंने? शायद मुझे खुदाफिस कहना पसंद नहीं है। मैं चाहती थी कि तुम मुझे खुदाफिस कहो। ये बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी एंगिन। कैसे होगा ये? पता नहीं यार। खैर छोड़ो, चाय या कॉफी क्या लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक नई फिल्म आ रही है बहुत जबरदस्त, इस हफ्ते देखने चलें क्या? मैं तो बहुत मसरूफ हूँ इस हफ्ते। मसरूफ हो तुम? ऐसा ही है क्या? मुझे शफीक से मिलने जाना है। शफक कौन है? शफीक मेरा पुराना आशिक है। हम लोग ना कभी कभी मिलते हैं, हम सारी रात बाहर जाते हैं, पूरी रात घूमते रहते हैं और बहुत मजा आता है उसके साथ। वो बहुत मजाया लड़का है, अगर तुम चाहो तो उससे मिलवा दूंगी तुम्हें। नहीं शुक्रिया, जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे काम करना है। तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या शफीक से मिलने के लिए? मतलब शफीक के ऊपर। मैंने अपने पुराने आशिक के बारे में बताया, गुस्सा तो आना चाहिए था वैसे तुम्हें। नहीं तो गुस्सा क्यों होगा? ठीक हूँ मैं, मुझे कंपनी जाना है फतोश, मैं चलता हूँ। गुड डे फतोश। शुक्रिया। थाना एक दिलचस्प दावा है ना मनामी? हाँ। हेलो बाबा जान, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ हाँ, मैंने फोन किया था पर मैंने हल कर लिया है मसला, अब जरूरत नहीं है। तो कैसे हैं सब? आप कैसे हैं? आसुमान से बात हुई आपकी क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इसलिए पूछ रही थी। मैंने सबको फोन किया है, आपको भी, अम्मी को भी, आसुमान को भी, किसी ने नहीं सुना, सिर्फ आपने फोन किया वापस। आसुमान जल्दी फोन करेगी। बाबा जान परेशान ना हो, कुछ भी नहीं हुआ, वादा करती हूँ आपको बताऊंगी जैसे ही उसका फोन आएगा। ठीक है, अम्मी को सलाम दीजिएगा, मिलते हैं फिर। भाई एहसन भाई से हमारी बात की है ना? हाँ की थी। तो कोई मसला नहीं है? नहीं। अच्छी बात है। हमारा ये नया लड़का ताहिर कहाँ है? वो खाना खाने गए हैं ऊपर। मैं कहता हूँ कुर्सी से उठाकर इस्तेमाल करते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ठीक है। कोई है क्या यहाँ? क्या कोई यहाँ काम कर रहा है? क्या ये तारिक नहीं? जी भाई तारिक है। उस्ताद जाए जाकर देखें वो क्या कह रहा है, लेकिन मेरा मत बताइएगा उसे। कोई जवाब देगा? कैसे हैं आप बड़े भाई? जी ये टायर, इस टायर को देखें भाई जान, साफ सड़क पर चला रहा था अचानक ही फट गया। कुछ टाइम पहले ही मैंने चेंज करवाया था, स्टेपनी भी नहीं है। फिर आपकी दुकान देखी तो मैंने सोचा कि आप इसको बेहतर तरीके से बना देंगे। क्या आप इसे सही कर दोगे ना भाई? हाँ हो जाएगा भाई। शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ पूछूंगा भाई। मैं फरीद साहब की कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ हैं, मैं उनका भी ध्यान कर लूंगा। क्या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मैं गाड़ी छोड़ जाऊं? आप मेरे दोस्त के घर गाड़ी भिजवा दीजिएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, एड्रेस बता। ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं रसीद निकाल दूंगा, तुम पैसे भेज देना। शुक्रिया, रसीद मेरे नाम पर लिख देना। बैठे बैठे मुसीबत आई है। आप ये कंपनी का विजिटिंग कार्ड रखिए, इस पर फोन नंबर मेंशन है, जब आप यहाँ से निकलने लगे तो एक कॉल कर दीजिएगा हमें, मैं सब संभाल लूंगा। समझ गए? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा। क्या कह रहा था वो?
उसकी गाड़ी का टायर फट गया, यहीं छोड़कर चला गया। टायर फट गया, अच्छा है मौका हम तक चल कर आया है। देखा तुमने अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है, यकीन नहीं आ रहा ना। अरे हकान साहब खुशामदीद। ओ अरे ताहिर मेरी जान, आओ 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 आओ, खुशी हुई देखकर। ताहिर तुम्हें पता है हमारी लॉटरी लग गई है। जी बाबा मैं दोस्त के घर हूँ, ठीक हूँ। तुम्हारी बहन भी परेशान हो गई थी, मैंने भी तुम्हें कितनी दफा फोन किया, तुमने फोन ही नहीं उठाया। रात को काफी देर तक जागकर पढ़ाई की, फोन साइलेंट पर था मेरा, बस इसीलिए रिसीव नहीं कर सकी। परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन हमें फिक्र हो रही थी। आप कैसे हैं? तुम्हारे लिए परेशान था मैं, कैसा हो सकता हूँ। तुम्हारी बहन और मैं दोनों ही बात नहीं कर पा रहे थे तुमसे। तुम दोनों वहाँ एक दूसरे के सुपुर्द हो। ठीक है बाबा परेशान मत हो। इतने बड़े शहर में एक दूसरे से अलग ना रहो बेटा, मैं तुम दोनों के लिए परेशान नहीं होना चाहता। मुझे वो शादी की कहानी भी पसंद नहीं आई। क्या मतलब कौन सी कहानी बाबा, सुनाई नहीं दिया मुझे। झूठी शादी बेटा, तुम्हारी बहन और फरीद की झूठी शादी। अगर वो एक दूसरे से प्यार करते होते तो बात अलग थी। बुलुद फरीद का भांजा है, उसको हासिल करने के लिए तुम्हारी बहन को क्या करना पड़ा है। हाँ बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी उन्होंने खामोश रहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, वरना मैं बता देती। हाँ ऐसा ही है, उन्होंने कहा है कि किसी को पता ना चले, अगर किसी को झूठी शादी का पता चल गया तो वो अदालत नहीं जा सकेंगे। जी जी बाबा बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा। अब मुझे क्लास में जाना है बाबा, तो बाद में बात करेंगे। ठीक है ओके, अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा बाबा। ठीक है अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। वैसे आपा आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया, किस तरह किया ये आपने। देख लूंगी। जा रही हो तुम? हाँ मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन नाश्ता बना दिया है मैंने, मगर नाश्ता करने के लिए टाइम ही नहीं बचा। शुक्रिया। अपना सामान भूलना नहीं। मुझे अभी क्लास के लिए देर हो रही है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं इसे कला कर ले जाऊं? हाँ, कोई मसला नहीं। क्या आपा का बैंगल पहने हो? क्लास के लिए देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ हो रही है, मिलते हैं फिर। आसमान, हो सकता है मैं उस पर घर पर ना हूं जब तुम सामान लेने आओ, तुम अंदर आ जाना। ठीक है जा रही हूं। और जाते हुए दरवाजे की चाबी अंदर रख देना। ठीक है नाश्ता कर लो तुम। तो उसने बस खुदा हाफिज कहा और वो चला गया, पता नहीं शायद मैंने ही मामला बढ़ा दिया है। तो मुझे बहुत हैरान कर रही हो, थोड़ा क्या मतलब, क्या मतलब थोड़े का? बस नाजली मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आया उस वक्त कुछ। अब मंगनी तोड़ना इतना आसान तो नहीं है ना, है ना नाजली? ओफ अल्लाह, ये बात तुमने रिंग पहनते हुए तो नहीं सोची। ठीक है खत्म हो गया ना वो मामला, बस उस वक्त में जज्बाती हो गई थी, बस हाँ कर दी फिर मैंने। अब इसको कैसे खत्म करना है ये सोच लिया है हमने। हमसे क्या मतलब है? हाँ आसुमन का ख्याल है। लो आ गई वो भी। आफरीन आसुमान से मशवरे लिया तुमने, कहाँ थी तुम? फोन रात से बंद है, तुम गामजे के पास भी नहीं रुकी। इस दुनिया में गामजे के अलावा और भी दोस्त हैं मेरी, वहाँ रुक सकती हूँ मैं। वाकई हमें बिल्कुल नहीं मालूम उनका, थोड़ा बताओ अपने दोस्तों को। असल में तो आप बताएं मुझे जरा, सच्ची मोहब्बत की तकरीर करती रही और हम सबसे झूठ बोला आपने। क्या कह रही हो तुम? मैं फरीद के साथ आपकी नकली शादी की बात कर रही हूँ। आहिस्ता चुप करो, चुप करो, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, मैंने टायर पंचर करके गाड़ी मैकेनिक की दुकान पर छोड़ दी है। ताहिर ने कहा था हकान होगा वहां आज, तुमने किसी को देखा? वो नहीं था वहां, लेकिन मैंने खसूसन तौर पर वहां देखा भी नहीं। ऐसा इसलिए किया कि कोई मुझ पर शक ना करे, यानी मंसूबा हमारा ठीक था लेकिन मैंने बेवकूफी कर दी, मतलब मेरे अंदर भी सलाहियत है जिसकी वजह से उन्हें यकीन आ गया। ब्रावो तारिक, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने। नहीं मुझे असल में मजबूर नहीं किया गया, बहुत आसान है, बस ज्यादा मुश्किल मुझे टायर पंचर करने में हुई। पता नहीं नए टायर को फाड़ना इतना मुश्किल क्यों है फरीद साहब,
लेकिन डरते डरते मैंने टायर पंचर कर ही दिया। खैर देखते हैं। फिकर ये अल्लाह का काम है। फरीद असलान की गाड़ी आसमान से हमारी गोद में गिर गई। देखो अब मैं कह रहा हूं कि हम फरीद असलान के साथ अच्छा ना करें शादी के तोहफे के तौर पर। आपको क्या लगता है भाई? मैं अच्छी चीजों का सोचता हूं ताकि कोई बुराई ना हो मेरे अंदर। हकान साहब ये हो गया है क्या? कुछ और है जो फरीद साहब की गाड़ी के साथ करवाना चाहते हैं आप? शायद ताहिर फिर कभी, फिर कभी। ये सब कुछ बुलूत के लिए किया है ताकि बुलूत को उन लोगों के साथ ना रहना पड़े। क्या और कोई नहीं जानता इस बारे में? और ना पता चलेगा आसुमान, पागल मत बनाना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। इस मौजू के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना किसी से भी, समझी? समझ गई। तुम इस मामले की संजीदगी से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। सुना तुमने? ठीक है, लेकिन कुछ तो है जो समझ नहीं आया मुझे। ये सब करने से क्या हासिल होगा आपको? क्या कह रही हो ये? यानी कि हम दोनों के बीच बहुत कुछ मुश्तरक है ना? यानी कि जो आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उससे क्या हासिल होगा आपको? क्या आप ये बताना पसंद करेंगी मुझे? सुनो मेरी बात गौर से। मैंने ये काम सिर्फ तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए किया है, समझ गई तुम? इस काम में मेरी वाहिद दिलचस्पी मेरी बहन को इस मामले से बचाना और खुद को मुतमईन करना है, बस काफी है। अकलमंद हूँ क्या मैं? तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी में एक और झूठ शामिल किया मैंने। कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकती हो। पंद्रह मिनट हो गए हैं मुझे फोन आए हुए। फरीद साहब गाड़ी आती ही होगी। हाँ तारिक, जैसे ही गाड़ी आए मुलाजमीन उसको देखें। ये देखना जरूरी है कि सिर्फ टायरों को ही चढ़ा है या किसी और चीज को भी। जी जी, ताहिर ने फोन नहीं किया? उसकी मौजूदगी में फोन नहीं कर सकता वो। हाँ हजरात, मुझे फखर हो रहा है, कसम से दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है। मैं बस एक बात कहूंगा दोस्तों, गाड़ी आग पर है। वाकई ऐसे खींचते हो हैंडल को पानी निकलता है बाहर। इंजन तुम दबाओ, काम करता है ये और फिर बंद हो जाता है। मुझे पसंद आया। ताहिर के साथ मसला था, तुम मेरी दुकान पर ले आए इसे। मैं भी वहीं पे था, लड़के ने कहा कि काम हो गया है आप गाड़ी को ले जाएं। मैंने कहा खुशी से और मैं आ गया। कसम से अच्छा किया। ये रही आपकी गाड़ी, बहुत अच्छी जगह है। मैं भी गाड़ियाँ वहाँ लेकर जाता हूँ सर्विस के लिए। लड़के बहुत भरोसे वाले हैं, टायर बहुत अच्छे से सही किया उन्होंने। अब इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा अगर ख्याल से चलाएंगे तो। हम बड़े काम करते हैं, हमारे बड़े रकीब हैं, मगर दुश्मन हैं। जो भी गाड़ी किसी के साथ खेलती है बदल देते हैं। हमारा काम ही कुछ ऐसा है ना? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। खैर माफ करना, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये सब कुछ पहले से जानता था जब भी इतनी शोखियां मार रहे। तारिक मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ किया है, तुम फिर भी देख लो। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मिलते हैं फिर बाद में। जी इंशाल्लाह, हम अच्छा ध्यान रखते हैं। आपा ने वाकई नकली शादी कर ली यार, और वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर मुझसे ही सब छुपा रही है। कितनी जबरदस्त जिंदगी है मेरी, उनको आसुमान बिल्कुल बेवकूफ नजर आती है। इन सब ने मिलकर मुझे पागल किया हुआ है। लेकिन डेनिस को ये जानने का पूरा हक है, मैं उसे सब बताऊंगी। जरा बाहर का नजारा करती हूँ।
पता नहीं यार मेरी जान। नहीं अब मुझे अमीर और पुरकश जिंदगी नहीं चाहिए, बस बिल्कुल भी नहीं। मैं गरीब और नाखुश भी नहीं होना चाहती, लेकिन शायद मैं बस खुश होना चाहती हूँ यार। लेकिन एंगिन वो शख्स नहीं है मेरे लिए। एंगिन? सलाम फतोश। सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, क्या बात कर सकते हैं हम दोनों? जरूर जरूर, आ जाओ अंदर आओ। बताओ कि क्या लोगे, चाय या कॉफी? क्या लाऊं? शुक्रिया, कुछ नहीं। चटनी बहुत पसंद है, उसके लिए बना रही थी। तुम थोड़ी बेजार लग रही हो। नहीं, ऐसा क्यों कहा? दरअसल मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने ऐसा महसूस किया। छोड़ो उस बात को, रेगुलर के मसाइल हैं मेरे। ऐसा फरीद की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, उससे क्यों होगा? पता नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी से हो गया। हम इस बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं। एक काम जो होना था वो बुलुत की वजह से हो गया, बस। तुमसे कुछ पूछना था। अगर तुम्हें अगर उससे प्यार नहीं है तो तुमने ये नकली शादी ब्लूट के लिए की है ना? डेनिस, तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ा जब फरीद को ये सब पता चला, या फिर मैं उसको बताने से खौफजदा हो रही थी क्योंकि मुझे डर था कि फरीद क्या करेगा? नहीं, तुम शर्मिंदा थी क्योंकि तुम साफ हो, ईमानदार हो, तुम मुख्तलिफ हो नाजली। डेनिस, मैं फरीद से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं शर्मिंदा थी क्योंकि मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। उस आदमी की आंखों में देखकर झूठ बोला जिसको मैं प्यार करती हूँ। डेनिस, मुझे पता था वो मुझसे प्यार करता है, कितनी बुरी हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके साथ ये सब किया। मैं शर्मिंदा थी डेनिस कि मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। ठीक है, चलो चले, बुलुत को इंतजार नहीं कराते, गुस्सा हो जाता है। चटनी तैयार है, चलो। तुम्हें इसी चटनी के साथ खाना होगा। देखो वो आ गई। कहाँ रह गई थी तुम नाजली? ये रही आपकी चटनी। हम लोग बस कुछ बातें कर रहे थे। कोफ्ते कैसे थे? बहुत अच्छे हैं। असल में ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत सोचा मैंने, एक मुश्किल फैसला किया मैंने, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा। क्या हुआ एंगिन?
मैं लैदगी चाहता हूँ फतोश। तुम्हें सुन के अच्छा लगा होगा शायद, है ना? जाहिर है, हाँ बिल्कुल। पिछले दिनों समझ आ गया है मुझे, क्या ना समझना मुमकिन है? यार एंगिन, मैंने बहुत चाहा कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं बता ही नहीं पाई तुम्हें, माफ कर देना मुझे। माजरत की कोई बात नहीं है फतोश, यानी अगर हम दोनों में से किसी को माफी मांगनी ही चाहिए तो वो मैं हूं। मैंने ही जल्दबाजी की थी शादी के लिए। हाँ वो बात सही है, लेकिन मुझे भी तो ऐसे कबूल नहीं करना चाहिए था ना प्रपोजल। तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं गलत हूँ बस। खैर जो भी है, ऐसा समझ लेते हैं कि सब खत्म हो गया, यही इख्तिताम है। ठीक है, मैं बस यही कहने आया था। ठीक है, लेकिन हम दोस्त रहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम दोस्त हैं। अरे मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे मुर्गा बना दिया, और मुर्गा क्लास के अंदर नहीं क्लास के बाहर पूरे स्कूल में तमाशा बन गया मेरा। चलो बोलो, चलने का वक्त हो गया है। तुमने आंखें मलना शुरू कर दी हैं, नींद आ रही है तुम्हें? मामा थोड़ी देर और रुकने देना यहाँ, हमें काफी देर हो गई है, घर चलते हैं। जाके शावर लेना और सीधा बिस्तर पे। मैं वो झाग वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या मामू? हाँ बिल्कुल। ये बात, ओह उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या तुमने ट्राई किया है नाज़ली? हाँ मैंने भी ट्राई किया है। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दें आप लोग, मैं चलता हूँ, एक काम कंप्लीट करना है मुझे आज रात में। मिलते हैं फिर। मिलते हैं फिर। मिलते हैं चाचू। मिलते हैं फिर। हाँ जरूर। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, मैं पूरे कमरे में झाग भर दूंगा। क्या कर रहे हो, किस तरह से तुम गाड़ी चला रहे हो? हाँ कहाँ रह गया है डेनिस यार, उसके लिए कब से परेशान हो रही हूँ, उसका कुछ नहीं पता। कितनी देर से बोर हो रही हूँ। ये तो डेनिस की बाइक लग रही है। ये यहां क्यों रुक गया? वापस क्यों बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है ये? अरे अरे अरे, मुझे तो समझ नहीं आ रही वापस कहाँ जा रहा है। कसम से ये लड़का बिल्कुल पागल है यार, मतलब आपा के लिए बिल्कुल ही पागल हो चुका है ये। अब देखना पड़ेगा,
बुलूत मेरी जान, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो अम्मी को सोने में इतना सारा तंग करती थी। क्या मतलब जहर है क्या, मुझे नहीं पता। बहुत बुरी बात है, मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि मुझे रात को आप स्केयरक्रोस की कहानी सुनाया करें। ये बात मजे का है नाजली, जब घड़ी ऐसा करेगी तो मैं बिस्तर पर जाऊंगा। अच्छी बात है, देखो अभी घड़ी ऐसा कर रही है और तुम्हें फौरन सो जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी सो जाओ। चलो अच्छे से सो जाओ, मैंने तुम्हें गुड नाइट किस भी दे दी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। तुम्हें भी गुड नाइट। तुम्हें भी शब आखिर। मेरे ख्याल से तो आप तब सोती हैं जब सारी दुनिया घोड़े बेच के सो जाती है, और हाँ जब तक बुलुत यहाँ है हम साथ सोएंगे। ओहो, बुलुत अब जागेगा नहीं, वो सुबह तक ऐसे ही सोता रहेगा। तुम नहीं जानती बुलुत को, वो अक्सर रात को डरकर उठ जाता है, कभी पानी पीने की वजह से, कभी किसी और वजह से, और उसने अगर हमें अलग अलग कमरों में देखा तो जरूर पूछेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी सारी साजिशें, चलो जाके सो जाओ। रुको रुको, तुम्हारा भाई कह रहा है कि तुम जान नहीं छुड़वा सकते क्योंकि बाबा ने हम दोनों को सौंपा है इसको। नाजली, मैं डैनिस हूं। हमें चलना चाहिए, चलो फतोश। सबके लिए कुछ करना चाहता हूं जिंदगी में। नाजली, अगर तुम चाहो तो तुम नीचे सो सकती हो, क्योंकि तुम जहाँ तक जा सकती थी बिस्तर पर चली गई हो, अब जगह नहीं है। नाजली मेरी जान, मैं नीचे सो जाता हूँ ये कहने के बजाय। ये सब हालात तुम्हारे ही बनाए गए हैं, वरना मुझे कोई मसला नहीं है बिस्तर पर सोने पे, ठीक है ना? हाँ, जैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बुलुत की खुशी के लिए आई हूँ, इसलिए मैं नीचे नहीं सोऊंगी। चलो नाजली, अब जल्दी सो जाओ, मुझे सुबह उठकर मीटिंग में जाना है। तुम वाकई मुझे नहीं बताओगी कि सुबह क्या हुआ था, क्या कहानी थी वो? कोई है, कोई है, कोई है, प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तुम मुख्तलिफ हो, तुम जैसे हो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम बहुत यूनिक हो। फिर मैंने वो मछली एक बाउल में डाल दी और मुझे याद आया कि उसमें तो पानी बहुत कम था। मैं झूठ नहीं बोल सकता, बहुत पुरतजस्सुस था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन चला गया। हाँ चला गया, मैं हर वक्त साथ हूँ तुम्हारे। डेनिस, मैं फरीद से प्यार करती हूँ।